मेरे ख्याल में सिनेमा एक अलग मीडियम है और थिएटर एक अलग मीडियम है, क्योंकि रिसर्च एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है राइटिंग का। जब उन लड़कियों से बैठ के कई तरह के सवाल हुए, कोई कहीं से आई, कोई बाप से लड़के आई, कोई भाई से लड़के आई, सही बात, किसी का साथ अब्बा ने दिया, किसी का साथ अम्मा ने दिया। इमना के तो कैरेक्टर्स मशहूर हुए, एग्जैक्टली ऐसे ही है, उन्होंने कैरेक्टर्स उनके हमेशा से तारी रहे। जो भी एक्टर्स होते हैं वो अपने आप को ट्रेन करते हैं। अकेडमीज बेसिकली एक माहौल प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे एक्टर खुद अपने आप को ट्रेन करता है। ऑल ग्रेट एक्टर्स आर ग्रेट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट एंड द काइंड ऑफ डायरेक्शन दैट दे गेट। अदर मुत्तफिक हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, शादियाँ देखनी है। मैं इस पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, झगड़ा हो रहा होता है सड़क पर रुका करो, देखा करो, तुम्हारे काम का है, जाके रुकवाने की जरूरत नहीं है, देखोगे क्या ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से निकल के आ रहा है ना। थिएटर्स ब्लॉग नाम की कोई चीज नहीं होती। बेसिकली R&D सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है राइटिंग के अंदर। फाइनेंसिंग फिल्म की जो करना है ना, बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है। बहुत फिल्म का फाइनेंस या फिल्म को प्रोड्यूस करना, फिल्म को उस पूरे प्रोसेस में से गुजारना एक बड़ा एक तकलीफ दे और बड़ा टेम्परमेंट वाला काम है। जो हमारे साथ जो कैनीज फिल्म जिनके साथ हमने पार्टनर किया, तो मेरे ख्याल से उसमें डेविड कैनी और एग्नेस कैनी का बड़ा रोल प्ले है कि उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री में इतने पैसे लगाए। सारे एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो तैयार नहीं होते, उनको पूरे पूरे जो है ना वो 20-25 सीन्स चाहिए, वो कहते हैं नहीं मैं 2 सीन्स के लिए नहीं आऊँगा, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन अज़ीज़ और आप देख रहे हैं इंसाइक्लोमीडिया। लेकिन आज मेरे साथ को होस्ट चेंज हो चुके हैं, वो असल में नयाब फिल्म वाले आए और उन्होंने बोला कि भाई ये जगह हमारी है, इंसाइक्लोमीडिया को हम पूरी तरीके से कैप्चर करने वाले हैं। तो फिल्म में तो लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी निकल सकती थी हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और बड़े मज़े का पॉडकास्ट होने वाला है। नयाब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है, क्या है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और मेरे साथ उमर काजी सीनियर एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, मेरे साथ को होस्ट होंगे और इन्होंने हमने मतलब मेरी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मेरे साथ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है को होस्ट का, तो मैंने कहा कि उमर भाई रेडी हैं। बहुत शुक्रिया यार आपका इनवाइट करने का और इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए, वी आर रियली थैंकफुल। अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे फिर आगे चल के हम दोबारा से चले, सही है इसका मतलब मैं फिर रिजाइन वगैरह सोचते ना करेगा बहुत सारी जगहों से। तो गेस्ट की तरफ जाते हैं और हम अब गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्टर साहब उमर नासिर अली जो डायरेक्टर हैं फिल्म के नायाब के, राइटर अली अब्बास नकवी साहब और फवाद खान जिनको लोग समझ रहे थे कि वो फवाद खान है, लेकिन राइटर अली अब्बास नकवी एंड बासित नकवी, बासित नकवी आ नहीं सके हैं, वो जरा मसरूफ थे, कुछ और भी मेन लीड एक्टर्स थे, जावेद सर और यमुना जैदी मैम, अगर वो आ नहीं सके, अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू था, लेकिन कोशिश करेंगे कि कभी दोबारा से उनके साथ भी पॉडकास्ट कर सकें। तो सबसे पहले तो बताएं आप सब लोग हैं कैसे? हम सब बड़े खुश हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा अभी रिलैक्स फील हो रहा है, फिल्म रिलीज हो गई तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब इजी होता है ना इंसान? हाँ मेरे ख्याल से रिलैक्सेशन तो है, आई थिंक रिलैक्सेशन जिस दिन फिल्म कंप्लीट हुई थी ना, हम लोगों ने देख ली थी, तो उसके बाद से हो गई थी, क्योंकि हमें थोड़ा सा एहसास था कि फिल्म जो है वो जैसी हमने सोची थी, और ये बड़ा मुश्किल होता है कि लोग कहें कि यार जैसी आपने सोची है वैसी बनी है, क्योंकि हर कोई ये सवाल करता है जैसी पेपर पे थी। तो कोशिश ये लग रहा है कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं उसमें बनाने में, अल्हम्दुलिल्लाह। और अली भाई क्या चल रहा है? एक फिल्म उतरी कर लिया, आप दूसरी फिल्म की तैयारी या अभी थोड़ा? अभी तो अभी गैप है थोड़ा सा, सीरियल्स की तरफ है थोड़ा सा, टीवी की तरफ साफ कर रहे हैं। ओके दूसरी फिल्म पे जाएंगे वो है अभी उसके अनाउंसमेंट। एंड फवाद भाई आप बताएं? मेरा तो अभी तो थिएटर का ही है, थिएटर आगे। अच्छा फवाद भाई ये आपकी पहली फिल्म थी? पहली फिल्म जो सिनेमा में, फीचर लेंथ फिल्म जो सिनेमा में रिलीज हुई जी, तो एक्सपीरियंस बताएं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि एज अ थिएटर एक्टर और उसके बाद एकदम फीचर फिल्म करना, तो एक थोड़ा बहुत तो होता है ना, चेंज होता है माहौल, चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती हैं। हाँ एक तो ये कि स्क्रीन के लिए मैं काम पहले करता रहा था, सो वेब सीरीज़ वगैरह होती रहीं उससे पहले, 7 साल पहले तक तो मैं टेलीविज़न भी ऑलमोस्ट कर ही रहा था कंसिस्टेंटली, तो वो तो एक्सपीरियंस मौजूद था। तो जो वो इनिशियल
फ़र्क होता है कि थिएटर की अदाकारी छोड़ के आप अचानक एक स्क्रीन के मीडियम के लिए आते हैं, वो फ़र्क तो आई डेंट मेरे ख्याल में वो काफ़ी अरसा हो चुका मुझे वो टैकल किए हुए, फ़र्क होता है लेकिन वो उसने और मुझे एक्टर का ख्वाब भी होता है कि इन दी एंड वो सिनेमा में बड़े पर्दे पे दिखे। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये बात कर दी। मेरे ख्याल में सिनेमा एक अलहदा मीडियम है और थिएटर एक अलहदा मीडियम है, और उमूमन कई सारे लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि थिएटर तो एक बस स्टेपिंग स्टोन है जिसके ऊपर छल पैर रख के जो है ना लोग छलांग मार के सिनेमा में जाएंगे, और जिन्होंने कभी सिनेमा किया होता है वो कबल मसीह में कभी थिएटर किया होता ना तो वो कहते हैं कि हाँ हमने थिएटर किया था मगर अब तो हम दुनिया में अपना सिनेमा पे लोहा मनवा रहे। सो मेरे लिए सिनेमा एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है, बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है, और मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छा काम करने में मज़ा आता है भले वो टेलीविज़न के लिए ही क्यों ना हो, और मेरे ख्याल में हर मीडियम की अपनी एक अहमियत है, अहमियत है बिल्कुल, और उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और सिनेमा का अपना एक चार्म ज़रूर है जो कि चूँकि मास मीडियम है गो के पाकिस्तान में उतना नहीं है जितना टेलीविज़न है, लेकिन ये कि इसकी रीच जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है, सो इन दैट वे द रिस्पॉन्स इज़ वेरी डिफरेंट। अच्छा उमेर भाई, डायरेक्ट एक सवाल, कमर्शियल्स के बाद फीचर फिल्म करना एक तो एक रिस्की जॉब होता है ऑब्वियसली, ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी टॉपिक पे फिल्म बनाना जो कि बहुत डिफरेंट, और मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम बाद स्पोर्ट्स के ऊपर कोई फिल्म बनी है, मेरे ख्याल से कोई गिनतियों में होंगी शायद एक या दो होंगी। सो इसमें यार पॉइंट ये कि जब मैंने बैचलर्स किया था ना फिल्म मेकिंग का, तो पाकिस्तान का फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट बैच था जब स्टार्ट हुआ था फिल्म मेकिंग इन पाकिस्तान, उससे पहले कोई क्या कहेंगे कोई बैचलर्स कोर्स ही नहीं होता था, लोग बड़े मिक्स मीडियम किस्म की कोर्स आउटलाइंस थी तो था ही नहीं, तो ये मैंने भाई पहले भी बताया कि वो टाइम एक था जब एनसीए के अंदर एक दारा फिल्म एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट बना, उसी ज़माने में नैपा भी इस्टेब्लिश हुआ, उसी ज़माने में मीडिया के और बहुत सारे इदारे इस्टेब्लिश हुए, तो वो बड़ा बूम टाइम था, तो मुझे लगता है कि बहुत सर्कल एक पॉइंट पे आके 2024 में आके कंप्लीट हुआ इन सब चीज़ों का। और जब हम लोग फिल्म मेकिंग से वहाँ से निकले थे ना 2008 में, तो उस वक्त तो कुछ एवेन्यूज़ नहीं थे, मैं कमर्शियल वाली बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि एवेन्यूज से मुराद है कि आपको ये नहीं पता था कि आपने इतने मीडियम तो पढ़ लिया लेकिन वो उसकी एप्लीकेशन किधर पर है ना, ड्रामों में उस तरह से काम नहीं होता था, होते थे प्राइवेट प्रोडक्शंस थी लेकिन बड़ा छोटे स्केल पे होता था, फिल्म कैमरों पे आपने पढ़ा हुआ था तो उनकी एप्लीकेशन नहीं होती थी, तो वो एप्लीकेशन खाली जो टीवीसी का मीडियम है ना एड फिल्म का, उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते थे क्योंकि उसके अंदर बड़ा क्रू प्रोफेशनली बड़े क्रू के साथ काम होता था, 35 mm के ऊपर उस वक्त फिल्म में एड फिल्म शूट होती थी, तो वहाँ से पास आउट होने के बाद जवाही तौर पे अगर आपको ये कहें कि आप क्या करियर पाथ लेंगे तो ऑब्वियसली बीइंग इन कराची आइट आप कहेंगे कि अच्छा चलो कमर्शियल इंडस्ट्री में जाना चाहिए, तो इसलिए स्टार्ट किया था, और लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो तो रहता है ना कि आपको नैरेटिव फुल नैरेटिव करना है, तो एडवर्टाइजिंग में रहते हुए भी कोशिश ये की कि कोई ऐसे काम किए जाएं जो कि कहीं ना कहीं उनका नैरेटिव से कोई मतलब हो, कहीं आप कुछ एक्टिंग थोड़ी सी एक्सप्लोर कर सकें, टाइम बड़ा कम होता है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं लेकिन वो चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं आपको फेस करने पड़ते हैं और आप उससे बहुत सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि सही टाइम था, बाद अवकात आप बहुत जल्दी कर रहे होते हैं कि आप फिल्म बनाएं और बहुत कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, हैंडलिंग के लिए, तो आई थिंक दिस वाज द राइट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, और वो राइटिंग प्रोसेस भी अब हम उस पर आएंगे कि वो कैसे किया था। चले उसी भी आ जाते हैं बासित भाई, जब अली भाई आपके पास आप ही इसका जवाब दीजिए, जब स्क्रिप्ट लेकर आए तो आपको क्या मतलब मोटिवेशन हुई कि यार ये फिल्म मैं ही करूँगा? नहीं एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा इसका बैक कि क्या रिसेप्शन थी उसके, वो मेरे ख्याल में क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है। हाँ तो वैसे तो आइडियलिस्टिक दुनिया में यही होना चाहिए कि एक स्क्रिप्ट राइटर के पास फिल्म हो लिखी हुई आए, होता है वैसे ड्रामों में तो ऐसा होता है, लेकिन फिल्म में तो ये है कि प्रोसेस बड़ा मुख्तलिफ तरीके से स्टार्ट होता है, ये हमने कोई कैंपेन में की वजह से रिसर्च करनी पड़ी कुछ लड़कियों की जिंदगियां जो क्रिकेट खेलती थी कि उनकी जिंदगियां कैसी हैं किस तरह की हैं, फिर वो आइडिया जब आया और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अली आप कंटिन्यू करें यहाँ से। अच्छा ये बायोपिक नहीं है? नहीं नहीं, वो आपने ये भी कहा ना कि स्पोर्ट्स ड्रामा, ये स्पोर्ट्स फिल्म भी नहीं है। हाँ क्यों, लोगों को ट्रेलर से लग रहा है लेकिन नहीं ये स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, हमने कहीं भी ट्रेलर में नहीं बताया कि स्पोर्ट्स फिल्म है, ना हमारे पोस्टर में कहीं ये मेंशन है कि आपको यमुना या फवाद भाई कहीं आपको बॉलिंग कराते हुए बैटिंग करते हुए पोस्टर में नजर नहीं आएंगे। थ्रू आउट द प्रमोशनल कैंपेन्स भी जो है वो यहाँ ये क्लेम नहीं किया गया कि इट्स अ इट्स अ बैकड्रॉप में जो एक फैमिली बैठी है, बिल्कुल वरना विकेट होती, बॉल होती, बैट होता, क्रिकेट किट जो है वो ना यमुना के
कभी हमने क्लेम नहीं किया। तो दूसरी बात यह कि मेरे उस्ताद हैं ये, पढ़ाया इन्होंने, सीखा इनसे। तो लाल कबूतर रिलीज हुई थी, फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि वेब सीरीज बनानी है यार, मैंने कैंपेन की है वुमेन क्रिकेट टीम के साथ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम मिले और हमने फिर धीरे धीरे हुआ कि यार ये क्यों ना वेब सीरीज़ के लिए, तो ये बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आई थिंक सिनेमा के लिए एक्सप्लोर है, वेब सीरीज़ का इतना कोई ना अभी वो है नहीं कि रीच नहीं है उसकी। ठीक है, सही, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल वो तीली का एक छोटा सा टाइम आया था, वो था अभी भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे इतना वो नहीं है। तो और जो जब हमने जो है वो रिसर्च, क्योंकि रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है राइटिंग का, तो हम जो है वो वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर्स से मिले जाके पर्सनली, जो है वो ये हमारी रिसर्च का पार्ट था। जो जब उन लड़कियों से बैठ के कई तरह के सवाल हुए, और उसमें कहीं भी इस पे सवाल नहीं होता था कि क्रिकेट कैसे खेलती हो, बॉलिंग स्टाइल क्या है, बैटिंग स्टाइल क्या है, क्योंकि फिर मैंने कहा कि सबकी कहानियाँ क्रिकेट की तो एक जैसी है ना, वो तो इनसाइड सेम है। असल वो था कि कोई कहीं से आई, कोई बाप से लड़के आई, कोई भाई से लड़के आई, सही बात है, किसी का साथ अब्बा ने दिया, किसी का साथ अम्मा ने दिया। तो वो उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट हुआ पैदा कि यार ये जो जर्नी है ना यहाँ तक पहुँचने का, ये मैटर करता है। अच्छा, मतलब वो ट्रेलर में जो हमें चक दे इंडिया वाली वाइब थी, मैं आप लोगों को बता दिया, वो नहीं है फिल्म के अंदर, फिल्म के अंदर बहुत डिफरेंट है। नहीं, वो कहीं से नहीं है चक दे, बेसिकली वो स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट, जो हमने क्रिकेट को इस्तेमाल किया है वो एज अ कैरेक्टर इस्तेमाल किया है, क्रिकेट के ऊपर बेस करती हुई फिल्म नहीं है। क्रिकेट ने एक एक कैरेक्टर के तौर पे, मतलब एक स्टोरी का एक आपने वो एक पर्सपेक्टिव पार्ट है, एक पार्ट पूरी फैमिली की कहानी, वो फैमिली की कहानी, और वो पूरी फैमिली नायाब है उसमें, यमुना तो है नायाब उसमें, जो अक्का है वो भी नायाब है, जावेद साहब भी नायाब है, हर कैरेक्टर नायाब है उसमें। अच्छा, करेक्टर की बात छेड़ी तो थोड़ा सा करेक्टर को अगर डिफाइन करें तो किस तरह देखते हैं कि एज अ कास्ट जस्टिस किसने किया अच्छे तरीके से? ये तो बहुत ही मुश्किल बात है कि किसने जस्टिस किया। मेरे ख्याल से सारे ही ब्रिलियंट एक्टर्स हैं और अच्छे मंझे भी अदाकार हैं। फवाद को हर कोई थिएटर में, सबको ही पता है, सबने काम देखा हुआ था। नौरीन का काम सबको मुझे पता था, मैंने उसके साथ काम भी किया हुआ था। यमुना जैदी की सिलेक्शन, ये कई जगहों पर हम बात कर चुके हैं कि उससे ब्रिलियंट एक्ट्रेस पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है बड़ी अभी नहीं आई, पिछले 5-10 सालों में मैंने तो नहीं देखी, जिन्होंने जिनके रोल्स मशहूर हुए हों, लोगों के जो हैं वो अदाकार अपने नामों से अपनी स्टार पावर की वजह से मशहूर होते हैं। यमुना के तो कैरेक्टर्स मशहूर हुए। एग्जैक्टली ऐसा ही है, उन्होंने कैरेक्टर्स उनके हमेशा से तारी रहे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन आंसर का आपके साथ सेगमेंट किया था, उसमें इतने फैंस पेज हैं यमुना जैदी के, उन्होंने क्वेश्चन भेजे, मेरे तो पूरा इंस्टाग्राम भर गया, और इंडिया से। हाँ, और एक अच्छा एक बड़ा सवाल आता है कि यार इंडिया में क्यों रिलीज नहीं हो रही फिर? इंडियन फैंस के बहुत सारे सवाल है, खैर मतलब उनके लिए दुबई में कह रहे हैं, तो उसमें भी आएगा। लेकिन ये कि वो जो कैरेक्टर्स है ना, जैसे यमुना ने बड़े ही दिल लगा के, फिर शेख साहब हैं, शेख साहब हमेशा से मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हमेशा से उनको इस कैरेक्टर में इस तरह से किसी ने नहीं देखा, इतने मेलो, इतना अंडर प्ले करते हुए, और एक पूरा नजर आते हुए कि हाँ उनके ऊपर क्या बीती होगी पूरी कहानी में। सो जितने एक्टर्स हैं, चाहे वो और बाकी जितने कैरेक्टर एक्टर्स फिल्म के अंदर हैं, चाहे वो सुनील शंकर हों, चाहे वो एहतशाम साहब हैं, वो तो सीनियर एक्टर हैं, दान सिद्दीकी हैं, फिर फरहान आलम का बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा रोल है उसके अंदर, अकील का बड़ा अच्छा पार्ट है, जो दोस्तें हैं शहीरा और मेन हमारी फाइंड थी सना ताज, जिन्होंने बीना का कैरेक्टर किया। तो ये सारे सबने इतनी एफर्ट लगा के काम किया ना, सो मेरे ख्याल से वो बड़ी बैलेंस कास्ट थी, मतलब लीड क्लास, मतलब जो कहते हैं कि पाकिस्तान बड़े नाम, मतलब जावेद साहब लेजेंड है, बहुत बड़ा नाम है, और उसके बाद उसमें मैं एक नाम ऐड करूंगा उसामा खान का, जैसे कि वो कब से वो टीवी पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे प्लेस कर देते हैं अदाकारों को कि चीजों को लेकर कि वो कैसे अपनी स्टेज पार करें, और सबने देखा कि वो चार्म नजर आया उसका सिनेमा में, वो नजर आ रहा है कि वो यमुना के साथ उसकी पेयरिंग बहुत फ्रेश लग रहा था, उसकी हर चीज जो है वो बड़ी आप कहते हैं ना कोई हीरोइक आपको चाहिए लॉलीवुड में, कौन हो सकता है, तो मेरे ख्याल से वो उसामा खान ने साबित किया। अच्छा, खैर फवाद भाई, एक चीज़ मुझे, मतलब मैं, ये मेरा एक पर्सनल सवाल है, मतलब थोड़ा सा नयाब से हट के, कि एक्टर को एक्टिंग सीखनी चाहिए एक्टर को, या सिर्फ शक्ल और सूरत ही अच्छी हो तो वो एक्टर बन सकता है? देखिए, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं ना दुनिया में,
ये सवाल एक बार नसीर साहब से भी किया था कि आप पढ़ाते भी हैं और आप उनके साथ एक खातून बैठी थी तब्बू जो कभी किसी ड्रामा स्कूल से नहीं गुजरी, सही है, और ब्रिलियंट एक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें कि जो भी एक्टर्स होते हैं वो अपने आप को ट्रेन करते हैं। अकेडमीज़ बेसिकली एक माहौल प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे एक्टर ख़ुद अपने आप को ट्रेन करता है। सारी अकेडमी से सारे निकलने वाले जो हैं वो ट्रेंड, वो अच्छे अदाकार नहीं बनते, ये कोई हतमी बात नहीं है। और जो लोग अच्छे दिखते हैं आपको, उन्होंने अपना एक तरीका इख्तियार किया होता है अपने आप को रोल्स के ऊपर पूरा उतरने का, वो उनका अपना मेथड होता है जो कि उन्होंने बनाया होता है। वो किसी किताब से बेशक ना किया हो लेकिन दे हैव वर्कड ऑन देमसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि किसी ने काम नहीं किया हो, अपने ऊपर काम ना किया हो, उसके बारे में सोचा ना हो। तो मेरा ये ख्याल है कि अपने ऊपर काम ज़रूर करना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसा काम है ये, अगर और अदाकारी पे काम करना चाहिए, सिर्फ जो है वो सिर्फ लुक्स वगैरह पे काम काफ़ी नहीं होगा अगर अदाकार बनना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था पूरी फिल्म में? मेरे बहुत से फेवरेट सीन हैं, कोई एक जो लगा हो गया यार, मतलब या आपकी अपनी एक्टिंग में, यार ये एक्टिंग जो मैंने करी है ना, ये जो मैंने ये सीन दिया है, शायद ये एक्टिंग जो है ना वो बड़ा ही अजीब, अपने आप को देखना स्क्रीन पे बहुत अजीब लगता है, अपने आप को देख के जो है ना आप कहते हैं यार ये इधर क्या, कई सवालात जन्म ले लेते हैं, कई सवालात अपने बारे में यार, ये तो वो तो अपने आप को देख के कोई इतना ज्यादा सच्ची बात है कि बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये कि सीन्स, जिन सीन्स को करने में बहुत मज़ा आया, मुझे लगता है कि हमारा एक घर पे वापस आने का सीन था, वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया, जिसमें मेरा और नौरीन का जो सोलो सीन था, सबने पिक किया है, वो बहुत ही वो सीन बहुत मज़ा आया था। मुझे जो यमुना के साथ जब ग्राउंड में वो मिलता है उससे आके, बहुत इमोशनल, और उसकी तस्वीर खींचता है, सो वो सीन मुझे लगा था। और तस्वीर खींचने के बाद जब उसे बातचीत जब करता है जब, तो वो आई एंजॉय डूइंग दोस सीन्स। शेख साहब के साथ फवाद, कोई शेख साहब के साथ तो ज़ाहिर है वो उनके साथ तो जो मैकेनिक की दुकान पे सीन है वो ट्रेलर में भी हमारे और फिल्म में भी लोगों ने ट्रेलर में भी है, और वो बड़ा माहौल भी उस जगह का जो है ना, वो इतना शोर वहाँ पे, इतना हंगामा, और उधर फोकस करना वाज अ रियली टफ थिंग। और शायद जावेद साहब चूंकि वो आदी हैं सब चीज के, और आप गुस्सा भी हुए थे मेरे ख्याल से उस सीन में, तो उस सीन में जब आप गुस्सा कर रहे थे तो आपको लग नहीं, जावेद शेख बैठे हुए हैं सामने? नहीं, ये अच्छे एक्टर की बात होती है कि वो दूसरे को जगह देते हैं और दूसरे को सपोर्ट करता है, और सीन जो है ना वो एक्टर्स के साथ मिल के बनता है, वो अकेले से नहीं बनता कुछ भी। किसी सीन में आपको कभी दिखता है ना कि यार ये एक्टर बहुत अच्छी अदाकारी कर रहा है, तो वो अकेले से नहीं हो रही है, वो सामने वाला सपोर्ट दे रहा है, सामने वाला सपोर्ट दे रहा है, सब लोग इर्द गिर्द का माहौल सपोर्ट दे रहा है, स्क्रिप्ट सपोर्ट कर रहा है, जो डायरेक्शन है, जो टीम है, उन सब ने उसको मेहनत करके आगे किया हुआ है, हाथ सबके पीछे लगे हुए हैं। सो वो एक शख्स का काम नहीं होता है, अगर वो नहीं, कई बार आपको आप देखेंगे बहुत अच्छे एक्टर बहुत बुरा काम करते हैं कई सारी फिल्मों में, उसमें कहीं ना कहीं और चीज़ें मसाइल होते हैं, फिल्म का स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होगा, फिल्म का डायरेक्टर ने माहौल कुछ ढंग का नहीं क्रिएट किया होगा, को स्टार्स में आपस में कुछ ना कुछ चिपखलिश होगी, कुछ ना कुछ इस तरह का होगा। सो इट ऑल ग्रेट एक्टर्स आर ग्रेट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ script and the kind of direction that they get, otherwise they puri effort se thi. Acha Ali bhai, ek cheez hai ki act 1 act 2 act 3 padhaya jata hai universities mein aur kehte hain ki isi ke upar base karti hai film, but wo jo emotion ek wave hoti hai, hum film mein agar theater mein जैसे शुरू होती है तो स्टार्ट होती है, फिर बिल्ड होती है, फिर डाउन जाती है, फिर ऊपर जाती है, उस वेव को कैरी करना एज अ राइटर कितना मुश्किल होता है प्रोसेस? यार मतलब कि इसी वजह से ड्राफ्ट्स लिखे जाते हैं, इसी वजह से रीराइटिंग का प्रोसेस होता है, कि ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, और राइटिंग इज़ ऑल अबाउट रीराइटिंग। और मेरी और बासित की जो एक तरह से जो हम सिंक्रोनाइज हुए हुए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि पहली किसी बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, और कहीं मैं नाराज़ होता हूँ कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, और वो फोर्स कर रहा होता है कि ये होना चाहिए, कहीं मैं होता हूँ और वो, और लेकिन हाँ, लेकिन वो सिंक इतना हुए हैं कि वो लिखने के बाद हमें याद भी नहीं रहता कि कौन सा सीन और डायलॉग इसने लिखा था या कौन सा मैंने लिखा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप फ़र्क भी नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़ ये है कि वो उन इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग किस तरह से आपको, सही है, तो ये
और वो हमने इस कहानी के अंदर भी जितना कुछ लिया है, जितने इमोशंस को हमने पोर्ट्रे किया है, दिखाने की कोशिश की है, तो वो अपने भुगती हुई जिंदगी है। और आप आसपास देखते हो, बस ऐसे ऑब्जर्वेशन का काम है, आंखें खुली रखनी है, दावतों में रिश्तेदारों को देखना है, शादियां देखनी है, शादियां देखनी है। मैं इस पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, झगड़ा हो रहा होता है सड़क पे रुका करो, देखा करो, तुम्हारे काम का है, जाके रुकवाने की जरूरत नहीं है, देखोगे क्या ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से निकल के आ रहा है ना। तो अच्छा, यही सारी चीजें अली भाई, एक चीज हम फिल्म्स में देखते हैं, जिन राइटर्स के ऊपर फिल्म बनती है, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनके ऊपर फिल्म बनी है, उन पर बायोपिक भी बनी है, नॉवेल्स जो लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, लैपटॉप खोलते हैं और फाड़ते रहते हैं पूरी रात, बैठे हुए हैं, सिगरेट चल रही है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। राइटर्स ब्लॉक की बात कर रहे हैं, राइटर्स ब्लॉक नाम की कोई चीज नहीं होती। अच्छा, अगर आपके पास डेडलाइन है और आपको पता है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं इस चीज के और इस डेडलाइन तक देनी है, मैंने नहीं दी तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो फिर आप कोई राइटर्स ब्लॉक नाम में, आज तक नहीं हुआ कि मैं सिगरेटें पीऊंगा तो फिर मुझे आमद होगी, आज तक नहीं हुआ कि मैंने लिख के पेज फाड़े हूँ। भाई लिखना जो है ना वो सबसे आखिरी प्रोसेस है, उससे पहले बहुत कुछ है जो डिस्कस ही नहीं हो रहा होता, जो कि रिसर्च जिसमें है, जिसमें बैठ के बातें करना, कितनी सारे सीन्स और सिचुएशंस बनाना, बिल्कुल, और फिर उनको कैंसिल कर देना कि नहीं ये नहीं, और इसके बाद जाके फिर वो लिखने का प्रोसेस। एक टर्म बहुत कॉमनली यूज होती है फाइनेंस के अंदर या बैंकिंग या इस तरह की उस चीज़ों के अंदर, R&D। बेसिकली R&D सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है राइटिंग के अंदर, क्योंकि वो जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती उस वक्त तक वो चीज़ पेपर पे ही नहीं, पेपर पे आ ही नहीं सकती। दूसरी बात ये है कि वो बहुत सारे जैसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बोलते हैं आप अपने साथ असिस्टेंट रख लें ताकि हम राइटिंग सीख लें। तो भाई मैं नहीं सिखा सकता, उसका रीज़न ये है कि जो वो उस वक्त की आमद है ना, जब मैं लिख रहा हूँ, वो मैं लैपटॉप पर लिखूँ या कलम से लिखूँ, वो मेरे पास ही आनी है। हाँ। वो मैं आपको नहीं बता, मैं आपको नक्शा खींच दूंगा लेकिन नहीं पकड़ सकते आप उस चीज को। तो ये है सारा सिलसिला कि भाई इमोशंस जो है ना वो एक तो जिए हुए हो आपने, और नहीं जिए हुए तो फिर आप सोल ऐड नहीं कर सकते उसके। और यही वजह है कि नायाब में जितने लोगों ने फिल्म के रिव्यूज आए हैं वो आप देखें इमोशनली कनेक्ट करती है, और मेरे ख्याल से अच्छी कहानी की जीत ही ये होती है कि इमोशंस कनेक्ट कर सके वो अपनी ऑडियंस के साथ जो सामने बैठी हुई है। अब वो चाहे भाई के साथ उसका जी आपको हो कि इसको तकलीफ ना हो, उसको आपके उस पर खुशी हो कि ये जीत जाए तो उसकी खुशी हो, उसको कुछ हो जाए तो आपको उसकी तकलीफ हो, अगर ये सारे इमोशंस आप इवोक कर रहे हैं ना किसी कहानी में या किसी किरदार में के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं तो आई थिंक ये जीत होती है, जीत होती है। अच्छा, कराची पे आपसे थोड़ा सा सवाल मैं पूछूंगा, आप सीनियर प्रोड्यूसर हैं, तो कितनी हर्डल्स आई ड्यूरिंग शूट, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप भी मैनेज कर रहे होते हो, तो देखें कराची को जिस तरह हमने क्रिकेट को एज अ कैरेक्टर डील किया था वैसे ही हमने कराची को भी एज अ कैरेक्टर डील किया था, और कराची ने हमें नाउमीद नहीं किया, मायूस नहीं किया, कराची के लोगों ने हमें मायूस नहीं किया। हमने ऑल ओवर द कराची शूट किया, फ्रॉम सरजानी की डंप यार्ड से लेके हब की चौरंगी से लेके चाइना पोर्ट तक, एंड हमारी सबसे जो बेसिक कोशिश थी वो ये थी कि कराची इस नैरेटिव के अंदर एक स्टांस लेता हुआ नज़र आए कि उसके साथ क्या क्या नाइंसाफियाँ हुई हैं इन पास्ट ईयर्स एज अ कैरेक्टर, और वो किस तरीके से हम सबकी ज़िंदगियों में एक रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल ऐसे मैं हम तीनों में एक म्यूचुअल कनेक्शन ये है कि हम इस फिल्म के साथ, इस फिल्म में तीन जनरेशन्स काम कर रही हैं, सर हमारे टीचर हैं और हमारे स्टूडेंट्स इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा ही। तो वो जो जनरेशन हैं वो इसी शहर की जनरेशन हैं, इसी शहर ने उनको परवान चढ़ाया, यहीं पर वो हर्डल्स देखे हैं और उसी ने हमें शेप अप किया है फॉर द चैलेंजेस। तो कोशिश राइटर्स की ये कोशिश थी कि उस कराची को एज अ कैरेक्टर डील किया जाए, फिर जब वो प्रोडक्शन फेज के अंदर आया, डायरेक्टर का एक विजन ऐड हुआ उसके अंदर, तो हमने उसको एक एज अ ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल किया और हमने उसके वैसे ही नखरे उठाए जैसे उठाने चाहिए। वो देखे ना वो जो मोहल्ले वाला शॉट है, वो काला मिट्टी वाला ग्राउंड, पीछे मस्जिद का नजर आना, पूरे चारों तरफ वो पूरी मोहल्ले वाली फील, फिर दूसरे छोटे ग्राउंड, फिर वो सड़कें, फिर वो रोड्स, फिर उनकी वॉल चॉकिंग्स, उनकी बसों का कल्चर, सब कुछ ही है उसमें कहीं। अच्छा, तो ड्यूरिंग शूट प्रोसेस छोटे बच्चे होते हैं, हम जैसे स्लम एरिया में जाते हैं वहाँ पे बड़ी मुश्किल हो जाती है शूट करना, क्योंकि बच्चे वो एकदम हजूम हो जाता है। नहीं नहीं, कराची मतलब मैं ऑन ग्राउंड लाइक मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ ताकि कराची की आवाम भी सुन सके कि कराची की आवाम ने बहुत सपोर्ट किया। उनको जब पता लगता था कि हम किस पर्पज़ के तहत ये फिल्म बना रहे हैं, इसका सोशल कॉज क्या है, इसके पीछे थाट क्या है, तो लोगों ने हमें वेलकम किया।
हमने रोड्स पे शूट किए हैं फ्रीली, हमने हर जगह पे मतलब धड़ल्ले से अपने जैसे अपने घर में आप शूट करते हैं वैसे शूट किए। तो वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल द कराची पीपल, जो भी कराची में लोग हैं, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, चाहे वो कहीं भी रहने वाला हो, वी आर रियली थैंकफुल जो आपने हमें सपोर्ट दिया एंड एवरीथिंग फॉर दैट। मैं मैक्सिमम ये होता था वो आके पूछ लेता था कौन सी फिल्म क्या काहे की शूट हो रही है, कहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी, कौन से चैनल पर आएगी, हाँ कौन से चैनल पर आएगी, ये बड़ा अच्छा। अच्छा उमेर भाई, मैं अगर ऑनेस्टली एक बार बताऊं, मैंने अभी पिछले कुछ साल डेढ़ साल में ना अगर पाकिस्तानी फिल्म का नाम सुना है तो वो देख एक सुना था मौला जट का, और पुरानी पीछे नहीं जा रहा, सिर्फ मौला जट का मैंने नाम सुना था। और उसके बाद जो है मुझे नयाब का ही नाम सुनने को मिला, क्योंकि उसके बीच में ऐसा नहीं फिल्म आई, फिल्म आई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उन फिल्म की, बट मुझे उनकी प्रमोशन नहीं समझ आई, उनकी मार्केटिंग मुझे नहीं कहीं दिखी। और इवन मैं अगर एक्वामैन देखने जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा अच्छा ये फिल्म आई है पाकिस्तानी और ये फिल्म आई है, और बड़ी फिल्म थी और बड़ी कास्ट भी थी। नयाब ने ऐसी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी करी कि जो हर जगह दिखी? यार इसमें जो हमारे पार्टनर्स हैं प्रोजेक्ट पे कैनीज फिल्म में, उसमें हमारे को प्रोड्यूसर है रुमीना के साथ उमेर इरफानी, सो मेरे ख्याल से उसका बड़ा रोल प्ले, उसने बड़ी जान मारी जिस हद तक कि वो ग्राउंड लेवल पे जाके बिलबोर्ड्स की मार्केटिंग करवाना, चीज़ें करना, तो वो मेरे ख्याल से हमारी फिल्म के लिए बड़ा सपोर्ट था। और दूसरा ये कि अब तक देखा गया था कि लोग ना फिल्म की मार्केटिंग पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते कि वो कैसे होती है, क्योंकि बड़ा सवाल उठाया जाता है कि फिल्म आती है और फिल्म के बारे में उससे पहले सब कुछ एग्जॉस्ट हो चुका होता है कि आपके पास मार्केटिंग तक का समझ नहीं आता कि करना क्या है। लेकिन वो एक बड़ा एलिमेंट है, जब फिल्म बनाने के बाद जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि फिल्म आई है तो वो देखेंगे कैसे। और पाकिस्तान जैसी जगह जहाँ कल्चर ही नहीं है, ये तो वो जगह नहीं है जहाँ पे लोग हर हफ्ते जाके देखें वेबसाइट पे कि अच्छा आज कौन सी फिल्म लगी, इस हफ्ते कौन सी लगी, फिल्में नहीं इतनी आती। बिल्कुल, तो इसका मतलब कि लोगों को बताना पड़ता है झंझोड़ झंझोड़ के कि यार फिल्म आ रही है, इस तारीख को आ रही है, देखने जाएं, थोड़ी देर के लिए जाएं। तो वही एफर्ट्स हैं जो कोशिश नंबर्स में भी तब्दील होती हैं। और दूसरा नंबर्स के अलावा फिल्मों का, इस फिल्म का तो कंटेंट ही ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बिल्कुल ऐसा ही, जिस हद तक ट्राई कर सकते थे जिन जिन जगहों पे, यूनिवर्सिटीज़ में लोग कहते हैं कि उन ट्रिप से फ़ायदा नहीं, मेरे ख्याल से फ़ायदा होता है। इतनी आप 15-20 लोगों को भी अगर बता रहे हैं फिल्म के बारे में तो इसका मतलब कि आपने 15 फैमिलीज तक आपकी बात गई है, उसमें से दो फैमिलीज भी आ जाए तो आपका कहीं ना कहीं काम बन जाए। सो आपकी बिल्कुल, तो आपने देखे होंगे बिलबोर्ड्स कराची में, इस्लामाबाद में, सब जगह उन्होंने लगवाए ने, और भी कई सारी जगहों पे जहाँ जहाँ हो सकता था उसको फुली स्केल करके कोशिश की कि लगाया जाए। अच्छा इस टॉपिक पे जो है फिल्म्स बनती क्यों नहीं, बहुत कम क्यों बनती हैं? किस टॉपिक पे? ये जो आप लोगों ने सोशल कराची, पूरी कराची वाइब, वरना हमारी फिल्म होती है थोड़ी सी लव के ऊपर, और मैं अगर बात करूँ तो बॉलीवुड टच दे रही होती है। ये मेरे ख्याल से रिसर्च के ऊपर मेरा पॉइंट है कि दो ही चीज़ें हैं कि जब कोई ऐसे टॉपिक्स पे आप फिल्म बनाने लगते हैं तो आपको रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, और रिसर्च के लिए वक्त रिक्वायर्ड होता है, और कहानियाँ इसीलिए आप देखते हैं कि लव स्टोरी ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि वो बनाना, क्राफ्ट करना, क्रिएट करना ईजी इन टर्म्स, ईजी प्रोसेस है ह्यूमन उसके ऊपर करना। लेकिन किसी ऐसे सब्जेक्ट को उठाने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ता है। सली ने बताया कि 2019 में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पता नहीं कितने ट्रिप्स लगाए हैं, कई जगहों पे बासित हमारे साथ होते थे, हम नेशनल स्टेडियम गए, फिर हम वहाँ गए, उधर गए, उधर गए, इतने लोगों से मिलना, बातचीत करना, फिर वो क्राफ्ट करना, तो ये टाइम लेता है, टाइम कंजम्पशन होती है इसमें। और इस तरह के और टॉपिक्स को बनाने के लिए आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अगर इंडिया को हराऊंगी एक डायलॉग आता है तो मतलब ऑब्वियसली वो तो खैर प्रोस्पेक्टिव नहीं है कि हम इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन क्या कहानी थी उसके पीछे एक डायलॉग? नहीं नहीं, वो हम असल में इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट मैच का हमें पता है कि वो तो एक जंग है, वो तो जंग है, बड़ा इंटेंस होता है, वो इंटेंस बहुत इंटेंस होता है, बहुत सीरियस लिया होता है दोनों नेशंस ने कि बस इस मार्के में तो हराने ही हराने हैं, तो बाकी तो खैर है। तो इसलिए, और उस वो लड़की जो है वो उसका शुरू से पहले सीन में ही अगर आप देखेंगे तो वो और पाकिस्तान इंडिया के मैच को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है ना, तो वो हमने जो ओपनिंग सीन भी अपना दिखाया है कि यूजुअली हमारे यहाँ भी होता है कि पहले सीन में शादी में जाना है और पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है, ऐसा ही है, और फाइनल आ रहा है। अब वो लड़की फंसी हुई है कि मैं शादी में नहीं जाना चाहती, बट फादर उसको ले जाना चाहते हैं, अकेले नहीं छोड़ना चाहते, और स्क्रीन पे वो शादी में जाके भी उसका शादी में कपड़ों में बनाओ सिंगार दुल्हन में किसी में इंटरेस्ट नहीं है, वो ये देख रही है कि मैच का स्कोर क्या हुआ तो ये एक मतलब रियल लाइफ से एक एलिमेंट, उसमें ऐसा नहीं है कि
देश और इंडिया दुश्मन और ये कोई नहीं, लेकिन उसमें एक और बड़ी अच्छी चीज है, पिछले दिनों आई थिंक पिछले 5 साल से इंडिया में जितनी मूवीज बन रही है ना, बड़ा टारगेटेड है पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर, कोई ना कोई यहीं पे ऑपरेशन हो रहा होता है, चीजें हो रही होती हैं। टाइगर 3 अगर देखें, सारी की सारी फिल्मों का रुख इस तरफ है, तो वो लोग मेरे ख्याल से भूल गए कि बड़े पीसफुल नैरेटिव्स ही बनते रहे हैं। ऐसा ही है, क्रिकेट का मैदान है जहाँ पे दो टीमें खेलती हैं, पीसफुल तरीके से होती है, एक्साइटिंग टीम्स हैं। तो हमने तो बहुत कोशिश की कि जब अक्रॉस द बॉर्डर जब फिल्म देखी जाए या अक्रॉस ग्लोबली जब इंडियन फैंस यमुना के भैया तहाशा है जब वो देखे, तो ऐसा नहीं है कि यमुना वहाँ पे कोई ऑपरेशन करने के लिए जा रही है और वो ISI एजेंट है उसमें, वो एक स्पोर्ट्समैन स्प्रेड पर है जो कि खेल रही है और उसके हिसाब में उसके, तो मेरे ख्याल से दो नेशंस की वो वाली राइवलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमने जो कि पॉजिटिव 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 है। अभी कोई इंडियन प्लेयर कह रहे हैं यार इंडिया पाकिस्तान को हराएंगे, पाकिस्तान को फला पाकिस्तान में जाके हराएंगे वगैरह, ये सब मेजर भले इट्स अ पॉजिटिव वही कंपटीशन के तौर पे हम और लोग एंजॉय भी करते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है इंडियन इंडियन عوام अपने लोग वो एंजॉय करती है और हम लोग का भाई इंडिया यमुना के इतने ज्यादा बेतहाशा फैंस हैं जो इंडिया में रहते हैं, और मेरे ख्याल से मेरे पास के पास सारी टीम के पास कहीं ना कहीं उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वो फिल्म कैसे देख सकते हैं, कब देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे आएगी, वैसे ही है। सो वो हमारी फिल्म इंशाल्लाह सेकंड को रिलीज हो रही है GCC में और यूके कनाडा अमेरिका यूके कनाडा दुबई में भी मेरे ख्याल से जी दुबई कतर बहरीन। इसमें एक छोटी सी और बात कर दूं, एक तो ये कि मिसाल के तौर पे हाईएस्ट स्टेक्स अगर देखी जाए तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती है, तो एक ड्रामे में आप हाई स्टेक्स के बारे में, एक फिल्म में आप हाई स्टेक्स के बारे में सोचते हैं, कुछ ऐसा मैच हो जिसमें स्टेक्स हाई हों। यहाँ पे अगर लोग पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है या इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है, तो कई बार प्लेयर्स जो है वो मुंह छुपाते इधर उधर दूसरे मुल्कों में निकल जाते हैं। सही है ना, इट अफेक्ट्स द लाइव्स कई सारे लोगों के। तो वो और मुझे लगता है अगर वो ये कहती है मुझे अफगानिस्तान को हराना तो बड़ा बुरा लगता, सिंपल सी बात है। वो जो जो एक पॉइंट है वो ना वो कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है जिसको अच्छा। फवाद भाई माशाल्लाह से आपकी फिल्म थी और लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिया, इसके बारे में क्या हम कह सकते हैं कि फवाद खान अब प्रॉपर तरीके से आने वाले टाइम में फिल्म्स ही की तरफ फोकस ज़्यादा होगा या अभी भी स्टिल्स थिएटर और साथ साथ चलते रहेंगे? मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत खुशी है इस बात की, इस लोगों को पसंद आ रहा है काम। और थिएटर तो जाहिर है, पहले भी मैंने कहा कि थिएटर इज़ नॉट अ स्टेपिंग स्टोन, तो वो तो अगेन जहाँ काम अच्छा करने का मौका मिलेगा वहाँ काम किया जाएगा। और दूसरा ये मैं थोड़ी बात कट करूँगा क्योंकि मैं मेरा मानना ऐसा है कि एक्टर्स की ना जगहें स्पेसिफाइड होनी चाहिए, कि जो फिल्म एक्टर है वो फिल्म एक्टर ही रहे और जो ड्रामा एक्टर है वो ड्रामा एक्टर ही होना चाहिए, और जो थिएटर एक्टर हैं या जो कमर्शियल एक्टर हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए उनकी जगहें वगैरह। तो आप क्या समझते हैं इसके? नहीं, मैं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना ज़रूरी है। कोई एक्टर जो है जो कि अगर तीनों मीडियम पे टेलीविज़न फिल्म और थिएटर तीनों पे काम कर सकता है तो तीनों पे काम करे, बिल्कुल करे। इसमें कोई कोई कैद नहीं होनी चाहिए कि आप थिएटर के अदाकार हैं, आप थिएटर में काम करें या आप अब तो आप फिल्म के ही रहेंगे। जिसका जो दिल चाहे वो करे, और मेरे ख्याल में अच्छा काम जहाँ पे भी मिले वहाँ पे करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा उमेर भाई, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री छोटा सा इस पर रेज कर दें, कहाँ लैग कर रही है? स्टोरीज में लैग कर रही है ना, लोग बड़े फेथफुल तरीके से पिछले बहुत अरसे से जा रहे हैं सिनेमा में। रिलेटेबिलिटी का मसला होता है, कंटेंट में रिलेटेबिलिटी नहीं रहती, किरदार जो हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि जो सामने कहानी सुनाई जा रही है उसको किसके हद तक कनेक्टेड फील करे ऑडियंस। तो वो जो एक इशू है ना, बड़ा बुनियादी इशू है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से काम नहीं हुआ और जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा दूर हो गए, क्योंकि लोगों के जो थे ना जो एक्सपेक्टेशंस लेके गए और उनको वो चीज़ें नहीं मिली। मतलब कुछ मिले, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर वो पिक करके आए जाके उनको कुछ, तो उनको कहानी के साथ जुड़ के निकलें बाहर, कोई इमोशन लेके निकलें बाहर, अच्छा इमोशन, बुरा इमोशन, गमजदा, गमगीन, हंसना, कुछ तो लेके निकले ना बाहर। तो मेरा ख्याल है यही है एक प्रॉब्लम है जिसमें काम हो रहा है। पिछले दिनों जो अभी आप बात करें तो पिछले दिनों 3 फिल्में गुंजल आई है, फिर आपकी चिक्कड़ आई, फिर बकरी उसके बीच में आई, तो ये वो सारी फिल्में हैं जो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तानी सिनेमा में एक बड़ा वैल्यू एडिशन उन्होंने किया, कॉन्टेंट को, कहानियों को सुनाने का, मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ टॉपिक्स को लिया गया।
तो बस ये कि कहीं ना कहीं ऑडियंस भी अभी रेडी हो रही है, रेडी हो रही है और सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और जितने सिनेमास अगर मजे आना चाहता हूँ सिनेमा ज़्यादा हो तो ताकि फिर डाइवर्सिफाई। इसमें अभी जब सर ने बात की वो जो डिफरेंट हमारी 3-4 फिल्में जो अभी हुई हैं, इट्स ऑल अबाउट कहानी, हमेशा कहानी कहानी होती है, वो अच्छी और बुरी को, उसको अच्छी और बुरी के डब्बे में नहीं डाला जाता। इट्स अप टू यू कि आप किस कहानी के साथ अटैच कर जाते हो या इमोशनली अटैच कर जाते हो और किस कहानी के साथ नहीं करते हो। तो जिसके साथ आप कर जाते हो वो आपको अच्छी लगने लगती है कहानी, और जिसके साथ आप अटैच नहीं करते हो आप उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हो। तो कहानी कहानी होती है सिंपली, उसके कुछ बेसिक फार्मूला हैं, वो फार्मूला आप इस्तेमाल करते हो और वो कहानी कहानी बन जाती है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ लग कर रही है कि वो ज़्यादा फिल्में नहीं बना रही। एग्जैक्टली, हाँ, ज़्यादा फिल्में बनाई वरना गलतियाँ तो हर फिल्म में, अच्छी बुरी फिल्में इंडिया में भी बनती हैं, हर तरह की बन रही है, सिनेमा कमर्शियल सिनेमा, और हमें दिखती कितनी है 10-12 फिल्में मेजर हिट बात करते हैं जिनमें हम बात करते हैं या जिनको जिनके बारे में पता होता है, हम यहाँ पे बनाते 10-12 फिल्में टोटल, तो उसमें हम किस तरह जस्टिफाइड करते हैं। इसके लिए एक चीज हम एड ऑन थोड़ी सी यहाँ पे करेंगे ताकि अभी बनाने के हवाले से बात आई कि हमें फाइनेंसिंग फिल्म की जो करना है ना बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है। बहुत फिल्म का फाइनेंस या फिल्म को प्रोड्यूस करना, फिल्म को उस पूरे प्रोसेस में से गुजारना एक बड़ा एक तकलीफ दे और बड़ा टेम्परमेंट वाला काम है। तो मैं इसी में ऐड करूंगा कि जो हमारे साथ जो कैनीज फिल्म जिनके साथ हमने पार्टनर किया, तो मेरे ख्याल से उसमें डेविड कैनी और एग्नेस कैनी का बड़ा रोल प्ले है कि उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री में इतने पैसे लगाए कि हम टाइमली फिल्म कर सकें। उन्होंने उसको पूरी तरीके से, चाहे वो मार्केटिंग लेवल हो चाहे वो प्रोडक्शन लेवल हो, कहीं पर भी कोई झोल नहीं छोड़ा। हमने टाइमली फिल्म को ख़त्म किया, टाइमली उसकी चीज़ें ख़त्म की, ऑल दो उसके पीछे हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम की बहुत बड़ी एफर्ट थी कि एक प्रोफेशनल टीम खड़ी हुई थी, लेकिन उस प्रोफेशनल टीम को चलाने के लिए आपको फाइनेंशियल रिक्वायर्ड होते हैं जिनकी टाइमली पेमेंट्स होना, चीज़ें होना। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर ये पॉडकास्ट पूरी दुनिया में देखी जा रही है तो पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बहुत खूबसूरत फिल्में बना सकते हैं और बनेंगी, और अगर बाहर फाइनेंसर मौजूद हैं और उनके पास कुछ थोड़ी बहुत रकम भी है जो कि वो यहाँ लगा सकते हैं तो उनको यहाँ लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे $200,000-$300,000 खर्च करना मेरे ख्याल से कम अमाउंट है कंपैरेटिवली यूके में या हॉलीवुड में कोई फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए। मेरे भाई वहाँ की तो छोटी फिल्मों के प्री प्रोडक्शन बजट भी इतने नहीं होते। अगर मौला जट 300 करोड़ टच कर सकती है तो वो भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ना, पाकिस्तानी फिल्म है ना, तो मतलब हम बना सकते हैं, तो हम मतलब इस ब्रैकेट को भी टच कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हम 300-400 करोड़ का। और जबकि वही फिर अगेन वही कहानी पे बात आ जाएगी, वो एक देखी हुई कहानी जिसको कई दफा देखा जा चुका है, उसको रिक्रिएट किया एक नए जाविये से, उस कहानी को प्रेजेंट किया तो लोगों ने उसको उतनी ही पजीराई दी। तो कहानी हमेशा कहानी रहती है, अच्छे और बुरे का बॉक्स में उसको नहीं डाला जाता। आप जिसके साथ अटैच कर जाते हो उसको वो कहानी आपको अच्छी लगने लगती है, जिस कहानी के साथ अटैच नहीं करते वो कहानी आपको बुरी लग जाती है। अच्छा, कुछ Q&A आए हैं, थोड़ा सा मैं Q&A सेशन की तरफ जाता हूँ। बहुत सारे सवाल आए हैं उमेर भाई, आप तीनों जवाब दे दिए। अच्छा, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जो जुमना दैदी के जो फ़ैन पेजेस हैं और ऐसे फ़ैन पेजेस हैं जो इंडिया से भी आए और इंडिया से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही, तो मेहर भाई इसका कोई जुगाड़ निकालें, आप कुछ करेंगे इंडियन की आवाम जो दुबई जाके नहीं देख सकती तो वो कहीं ना कहीं देख सके, इंशाल्लाह एक बड़ा सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। तो खैर कुछ पूछते हैं, अच्छा वैसे एक सवाल है यमुना ज़ैदी के रिलेटेड ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग उनको जवाब दे दिया कि यमुना ज़ैदी एज अ पर्सन कैसी हैं, वो हम्बल हैं या नहीं, आप बताएं और आप बताएं। मेरे ख्याल से फवाद ने काफ़ी बहुत सारे सीन्स हैं यमुना के और फवाद के, और उनका टाइम ज़्यादा गुजरा है मेकअप, वेरी लवली ह्यूमन बींग, वेरी डाउन टू अर्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत सपोर्टिव और बहुत मज़ा आया। इवन आगे भी मतलब हम लोग तो प्रमोशन में जाते थे, सच्ची बात है मुझे तो कोई इतना जानता वानता नहीं था, बट शी वुड रियली मेक इट अ पॉइंट के लोग देखें मेरे बारे में, मुझसे भी बात हो। शी वुड कभी क्वेश्चन आंसर सेशन होता था तो उसमें वो क्वेश्चन ऐसा इनिशिएट करती थी, जवाब ऐसा इनिशिएट करती थी जिसमें मैं इन्वॉल्व होता था। सो इट वाज़ रियली, शी वाज़ रियली मैग्नानिमस इन दैट सेंस। और एक चीज़, यमुना ज़ैदी की एनर्जी, यमुना ज़ैदी एक इतनी सोल, उनकी जो सोल है ना इतनी प्योरीफाइड किस्म की सोल है यमुना की, वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव सोल। यानी कि मैंने तो सेट पे या विदाउट सेट, ड्यूरिंग रीडिंग विदाउट रीडिंग, कहीं मिलना हो, कहीं बैठना हो, कुछ बात करनी हो, मेरा ख्याल से मैंने तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ बहुत ही कम देखी जिनकी सोल इतनी ज़बरदस्त हो कि वो सेट पर मैंने कभी उसका कोई नेगेटिव एटीट्यूड ही नहीं देखा।
इतना पॉजिटिव उसकी एनर्जी होती है कि चाहे वो हंसते हुए आना, हंसते हुए बात करना, पूरा प्रेप करना, सवाल किससे क्या करना होता है, किसको कैसे इंगेज करना है, दूसरे ग्रुप वाले से क्या बात करनी, ये तो ऑन पॉइंट है. मतलब वेरी नाइस. रात 11 बजे आई थिंक हमारा 10 या 11 बजे बात से तौर पर स्क्रिप्ट नैरेट किया था इनको फर्स्ट टाइम जब, तो वो बिल्कुल भी नहीं कि स्क्रिप्ट सुनते हुए कोई फोन में लगी नहीं आई, मतलब पूरी फोकस थी साथ स्क्रिप्ट सुना पूरा और विद इन 30 मिनट्स जो है वो मैं ये फिल्म कर रही हूँ. nice. आंखों में आंसू भी आए. अच्छा, इमोशनल होना भी बहुत ज़रूरी है एज अ एक्टर. खैर अच्छा, एक बड़ा अजीब सा सवाल है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई अभी तक? वो तो मेरे ख्याल से इसको अभी देख वेट करते हैं, अभी तो पूरा वीकेंड पूरा पड़ा है, फिर उसके बाद अगला वीकेंड है, इंटरनेशनल रिलीज होनी है तो उनसे सवाल पूछे. अच्छा खैर, जुमना से रिलेटेड बहुत सारे सवाल क्या जुमना मैम ठीक हैं? क्या मैम ठीक हैं? मुझे पता है उनको इतनी तकलीफ हो रही है, किस चीज की तकलीफ हो रही है? अच्छा मेरे ख्याल से ये सवाल उन्होंने कहीं डायरेक्ट किए किसी, एक तो वालदा का और दूसरा कुछ वालदा की तबीयत सही नहीं थी, दूसरा ये कि वो अपने दोस्तों से भी थोड़ा खाइस है. अच्छा अच्छा, हु वाज द फनीएस्ट वन ऑन सेट? सबसे ज्यादा हुमा एक्टर्स या कोई भी, मतलब एक्टर्स में हुमा हुमा वाज ग्रेट फन. वो कैरेक्टर उसमें क्रू के अंदर तो हम सब सभी बराबर सब एक एक जो है ना वो अपने आप में एक और साहब भी जावेद शेख साहब जो के पंच लाइन दे देते खाली ना भी हो लेकिन पंच लाइन है. ऑडियंस रिस्पांस का क्या मिला अभी तक फिल्म को? बेहतरीन, टॉप क्लास. आई थिंक हम पर्सनली खुद गए सिनेमास के अंदर और हमने ऑडियंस का फीडबैक लिया है. मतलब फैमिलीज को बहुत पसंद आ रही है, उनको लग रहा है कि उनकी कहानी है. अच्छा, सबने बोला है सब इमोशनल थे, रो रहे थे, आंखों से आंसू भी निकले. आज कोई भी जो है वो क्रिकेटर नहीं है, अगर कोई लड़की वो इवन लड़की नहीं लड़के भी वो अगर आज किसी भी मुकाम पे हैं अपने प्रोफेशंस में और उनके लिए उनके किसी भाई बाप बड़ी बहन जिसने भी कुर्बानी दी है जो भी उनका हक्का है या की है वो रिलेट कर रहे हैं उससे उनको याद आ रहा है. मेरा एक सवाल है, जो मैम ने जो बॉलिंग की जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर प्रैक्टिस हुई है उनके की? वो जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने का एक प्रॉपर सेशन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी जिंदगी में इवन मैं समझ सकता हूं रिलेट कर सकता हूं, तो इसीलिए वो जो आपको एक एथलीट नज़र आ रहा है उसके पीछे उनकी स्ट्रगल है, उनकी मेहनत है, उनकी डेडिकेशन है. उन्होंने जितनी डेडिकेशन अपनी उस ट्रेनिंग पे दी है और उनके हमने बाकायदा उनको एक टैंगो एक कोच हैं क्रिकेट के बड़े अच्छे, उन हमने हायर करके दिए थे उनको ताकि वो उनको लगे क्रिकेट के नॉलेज पता लगे. एक सवाल जो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है क्योंकि वो मेरा बड़ा दिल के करीब है, कैन नयाब मूवी सिंगर्स ऑल्सो बी इन्वाइटेड प्लीज? नयाब के सिंगर्स के हवाले से एक सवाल है तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे ख्याल से इसमें बारे में बात नहीं है लेकिन नयाब का जो म्यूजिक है बड़ा बहुत ही सोच समझ के बनवाया है और सोचा था कि ये ऐसी एल्बम हो जो नयाब अपने अंदर इसमें मुख्तलिफ तरह के गाने हो, सुनने के लायक गाने हो जिनको आप बाद में भी सुन सकें, इंजॉय कर सकें. और आई थिंक मेरे ख्याल से सारे गाने बहुत लोगों ने पसंद किए, चाहे अच्छा, से दिलो, से एक गाना मेरा वन ऑफ द फेवरेट है दानिश रूमी का इरादे, मैंने बहुत सुना है क्योंकि हाँ, वो पहले से ऑलरेडी रिलीज था बोल जानी के साथ हाँ, उसका गाना था. और वो देखें वो प्लेस किया यमुना और जैन उसामा के ऊपर क्योंकि वो एक यंग कपल था फिल्म के अंदर तो वो उस तरह की वाइब मांग रहा था. और उस गाने को 5 मिनट लगे थे सर को सेलेक्ट करने में, 5-10 मिनट में सर ने फैसला किया था. नायाब को ओएसटी है जो फराज आसिफ ने और शॉन फोकम ने बनाया, वो भी बहुत मशहूर हुआ गाना और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, वो भी एक फाइंड थी जो हमारे दोस्त हैं कामरान अल्लाह खान. एहसन बारी का जो गाना है वो बड़ा मेरे मुझे बहुत पसंद है, एहसन बारी ने कमाल पिंजरा तोड़ क्या गाना है. और वो जो शानी अरशद का मेंटल सा दिल है वो भी मैं कहता हूँ फिल्म में जान डाल देती है म्यूजिक जो है, गाने जो है असल हिट करवाते भी बेसिकली गाने ही है. हाँ, अगर कोई किसी फिल्म का ज्यादातर ये भी एक होता है ना कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अजीब सी बात कर रहा हूँ, इमरान हाशमी की फिल्म ज्यादातर गानों की वजह से हुई थी ऐसा है. तो खैर, अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट वाइल्ड शूटिंग में आप कोई यादगार लम्हा कैसा? ये इम्पोर्टेंट है सबसे इम्पोर्टेंट. मैं बताता हूँ, मैं क्योंकि मैंने तो बहुत सारे फेस किए, मैं बताता हूँ एक एक करके. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एक बड़ा मरहला जब था जब ने एम्प्रेस मार्केट के अंदर जावेद साहब को और हुमा आपा को शूट करने के लिए वैनिटी से बाहर निकाला है एंड वहाँ पे एक जमे गफीर क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया. और ऑनेस्टली
लोग सिर्फ एक झलक देखने के लिए पागल देंगे कि बस एक झलक दिखा दो. और सेम हैपेंड यमुना के साथ 5C वाले ग्राउंड, 5C वाले ग्राउंड में एंड सर्राफा बाजार में, दोनों में, दोनों जगहों पे, दोनों जगहों पे शॉट्स थे जो क्राउड पागल हो गया. 5C वाले ग्राउंड के अंदर खवातीन उनकी वैनिटी के बाहर एक घंटा खड़ी रही है कि बस प्लीज एक झलक दिखा दें, हमें सिर्फ एक पिक्चर लेनी, भले वो वैनिटी की स्टेज. मैं आपको मजे की कहानी बताता हूँ. मेरा स्टूडियो बाय द वे घर पे बहुत से लोग जो देखते हैं वो, मैंने अपनी अम्मी को बताया कि आज, क्योंकि अम्मी पूछती हैं कि कौन आ रहा है, तो मैंने कहा नया फिल्म की टीम आ रही है पॉडकास्ट पे. यमुना दीदी आ रही है. और उनका यही सवाल था कि अगर, मैंने कहा मैं ट्राई तो करूँ, अगर इंशाल्लाह अगर वो आ गई अवेलेबल होंगी तो जरूर मेरी मुलाकात जरूर कराना वरना स्टूडियो बाय. एक चीज़ और एड ऑन कर दें, यमुना जैदी, जावेद साहब और जितने भी, और जितने इन दोनों का नाम तस्करा ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि दे लाइक नो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनका फैन फॉलोइंग है. It was so humble. मतलब हम बाजवा, आई एम रियली सॉरी कि अगर मैं किसी के साथ पूरी शूट के अंदर मैंने बदतमीजी की हो या मैं, लेकिन दे वर सो हम्बल कि नहीं कोई मसले की बात नहीं है. ऑटोग्राफ आज की जनरेशन मतलब भूल चुकी है, लेकिन लोगों ने ऑटोग्राफ तक दिए हैं. प्रमोशन में भी देखा. खैर नयाब टीम इंटरनेशनल, सॉरी नयाब फिल्म जो है इंटरनेशनली कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है? ये तो मेरे ख्याल से हर जगह हमने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, सोशल मीडिया पे डाला हुआ है हमने इसका. यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा नहीं है, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, बहरीन है, कतर है, दुबई है, नॉर्वे है, डेनमार्क है. अच्छा, हार्डेस्ट सीन शूट करते हुए वाइल नयाब फिल्म? मेरे ख्याल से जो हमारा इंटरवल का सीन है ना, मुझे लगता है वो सबसे मुश्किल था मेरे लिए शूट करना, क्योंकि वो एक तो 5 कैरेक्टर्स थे, उनको उनकी ब्लॉकिंग, फिर उनके इमोशंस, उसकी टाइम कितना लगना चाहिए कितना नहीं लगना चाहिए, मेरे ख्याल से सबसे वन ऑफ द मुश्किल सीन वो. और मेरे ख्याल से फवाद वाले ने बड़ा उसमें साथ दिया कि हमने बड़ा उसको सोच समझ के, शजी DOP के साथ मिलके वो हमने डिज़ाइन करते रहे कि कैसे होगा. तो मुश्किल सीन है इन टर्म्स ऑफ शूटिंग भी, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग भी, इन टर्म्स ऑफ पेसिंग वाइज भी. DOP ने भी बड़ी स्क्रिप्ट की सारी चीजों को समझते हुए लाइटिंग की है, कहीं आपको उसमें बिला वजह का शॉट नजर नहीं आएगा. मतलब ये सवाल आपने पूछा भी था अभी ऑफ द कैमरा, लेकिन वो DOP ने पूरा प्लान आउट करके कि घर छोड़ने वाला सीन है तो वो आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा यमुना के ऊपर जिस तरह की लाइटिंग हुई है, जिस तरह की लाइटिंग बाहर हुई हुई है, एहतशाम साहब वाले जितने हॉन्टिंग सीन है उसके ऊपर जिस तरह से उसने वो एलिमेंट्स यूज किए लाइट के, वो आपको नजर आते हैं कि वो किस तरह से लाइट जल बुझ रही है, डिटेलिंग है वो लाइट्स की. इसके अलावा जितनी पार्ट्स उसके फवाद कर यमुना का जो झगड़े वाला सीन है स्पेशली, वो आप देखें कितनी इंटेंस उसने उसमें लाइटिंग की है, जहाँ हमारे सालगिरह वाला सीन था. देखें जॉनरा के हिसाब से जो जो था जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी, डायरेक्टर का विजन था, सिनेमाटोग्राफर ने पूरी कोशिश, इवन आर्ट डायरेक्शन मतलब सिनेमाटोग्राफर क्योंकि विजुअली उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देख रहा था, समझ रहा था, और दोनों डायरेक्टर का और सिनेमाटोग्राफर DOP का सिंक होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है. तो हमने जो सालगिरह वाला सीन था, अगर आप पूरा नोट करें, वो बूढ़ा हैंडी कैम वाली फील की, जैसे घर पे कोई वीडियो बना रहा होता है, तो प्लान आउट किया कि वो किस तरह से होता है कि वो लगे कि घर के अंदर ही आप बैठे हुए वो सीन देख रहे हैं. अच्छा, खैर बहुत शुक्रिया भाई, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किया. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग है, एनी मैसेज फॉर अपकमिंग जनरेशन हु वॉन्ट्स टू वर्क विद यू और इन फ्यूचर, मतलब नया फिल्म के साथ, नया फिल्म के साथ काम एज अ टीम के साथ, एज अ टीम के साथ या उनके साथ फ्यूचर किसी भी कैपेसिटी के अंदर, मतलब एज तो वो जब भी इंशाल्लाह स्क्रिप्ट वो हमें डायरेक्ट इनबॉक्स कर दे तो हम देखते हैं होती है कि हमें रिक्वायर्ड है तो एज एन एक्टर, एज ए क्रू, प्रोडक्शन टीम में. वो देखें डिटेल में अभी मुझसे ऑफ द, मतलब पॉडकास्ट शुरू होने से पहले किसी एक भाई ने पूछा भी था कि आपने यार ऑडिशंस का बताया नहीं था, हमने तो ऑडिशंस ही इसके इतने, मतलब 5 दफ़ा तो उसके ऑडिशंस हुए और अलग अलग सेगमेंट्स में ऑडिशंस हुए, क्रिकेटर्स के अलग हुए थे, सपोर्टिंग कास्ट के अलग हुए थे, एक्ट्रेस के मतलब डिफरेंटली अलग हुए, और हमने उसमें सेलेक्ट किए, और हमने सेलेक्ट किए उनमें से, और हमने बाकायदा इस चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड भी किया था कि हम ऑडिशंस कहाँ कहाँ कंडक्ट कर रहे हैं. हमने क्रिकेटर्स के लिए 3 जोन्स डिवाइड किए हुए थे. अच्छा, वैसे मैं एक बात करूँगा, वैसे मैं भाई आप बेहतर समझते होंगे, जवाब देते हैं, ऑडिशन डू यू थिंक एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती है फिल्म की? मैंने सुना है ऐसा, मेरा तो नहीं ख्याल. हाँ, आवाज़ पता चलती है, लोगों को पता चलता है, मार्केटिंग तो उसकी होती है कह सकते हैं, लेकिन असल में तो वो एक्टर्स हंट के लिए होती है, उठाए जाते हैं एक्टर. मार्केटिंग आप इस सेंस में कह सकते हैं कि जिन लोगों को मौके नहीं मिलते उनके लिए वो एक ओपन कॉल होती है कि वो आए और अपने, अगर उनके अंदर वो लगेगा तो. भाई मैं आपको बता देता हूँ, सना ताज का जो कैरेक्टर है बीना का जो हुआ, वो ऑडिशन हुए थे, वो उन्होंने आज से जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की, उन्होंने हमारी पोज देखी थी, वो उस दिन पहुंच गई वहाँ पे, उन्होंने बॉलिंग कराई, उसके बाद हमने देखा कि हाँ इनके ऊपर थोड़ा काम कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं
मिथा वो जरासीम थे तो इमरान खान एकेडमी के अंदर उन्होंने अपना ऑडिशन दिया था और जितने भी जो आप टीम्स देखते हैं डिफरेंट टीम्स हैं उसके अंदर से 70% जो प्लेयर्स हैं वो एक्चुअली खेलने वाले प्लेयर्स हैं मतलब वो खेलते हैं या किसी ना किसी स्पोर्ट्स के साथ उनका ताल्लुक रहा है तो वो तो अपॉर्चुनिटी हमने उनको प्रोवाइड और ऐसा भी होता है कि आपने कोई कैरेक्टर है जिसके फकत दो सीन्स हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन दो सीन्स के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी उठा के बगैर ऑडिशन के आप यार इसको ले लो और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो तैयार नहीं होते उनको पूरे पूरे जो है ना वो 20-25 सीन्स चाहिए वो कहते हैं नहीं मैं दो सीन्स के लिए नहीं आऊँगा ये भी बड़ा प्रॉब्लम है और आप देखें कि वो फरहान आलम वाला सीन मैंने तो उसे फुली एग्जॉस्ट किया है हमने गाने से पहले भी उसके सीन को डाला हमारे ट्रेलर के अंदर भी वो सीन था फिल्म के अंदर भी वो सीन आया है सेम एक सीन है वो लेकिन अपना वो छोड़ के जाते हैं अच्छा खैर बहुत शुक्रिया जितने सारे लोगों ने लिए मैं सबके मैसेजेस नहीं पढ़ा लेकिन सब ने ज़्यादातर जो है ना इंडिया से बहुत सारे मैसेज यमुना आप बहुत क्यूट हैं बहुत स्वीट हैं इस तरह के मैसेजेस थे सबका बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए और आप लोग भी पैगाम पहुँचा दिएगा कि भाई बड़े सारे इंडियन फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यमुना को पसंद करते हैं आई थिंक उनकी बहुत बड़ी रीच है और वो देखना चाहते हैं फिल्म और हम कोशिश करेंगे उनके लिए किसी तरीके से अरेंज करें। उमर भाई एक सवाल है कि डू यू थिंक नया फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो इंटरनेशनल फिल्म्स में कंपीट कर सकती है ये इसी अंडरस्टैंड देखें फिल्में पाकिस्तान में ना एक तो बनाना मुश्किल है पहले सवाल तो हो गया लेकिन जब हम ये नायाब की भी मेकिंग जो है ना इसी सेंसिबिलिटी के साथ बनाई गई थी कि अली और बासित का जो स्क्रीन प्ले भी है ना वो कोई नॉर्मल स्क्रीन प्ले नहीं है जैसे एक आदत थी ना सिनेमा को कि कहानी हीरो है फिर ये उसने उसको ब्रेक किया है तो उसने उसकी फॉर्म ही को ब्रेक किया है यानी कि फॉर्म पकड़ी है स्क्रीन पे की एक फॉर्म होती है जो उन्होंने फॉर्म क्रिएट की वही फॉर्म कोशिश हमने की कि उसको विजुअली कैसे डिपिक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी जिसकी हमने बात की तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि एलिमेंट बनाते हैं नई फॉर्म क्रिएट करने के लिए कि पाकिस्तानी सिनेमा किस तरह से कम्पीट करने वाला है ग्लोबली और पिछले कोविड के बाद आप देखें जो लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो बड़ा डाइवर्सिफाइड किस्म का हो गया उनके पास दुनिया भर का सिनेमा दुनिया भर की चीज़ें खुली हुई हैं वो हर तरह का सामान चीज़ें देख रहे हैं तो पाकिस्तान से भी वैसे ही कंटेंट प्रोड्यूस होना चाहिए जो उनके साथ फुली तौर पर कम्पीट कर सके मुख्तलिफ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हर तरह के लेवल के ऊपर और बाकी मेरे ख्याल से अली शायद इस पे फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है फॉर्म बेसिकली हम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं कि कॉन्टेंट किस तरह पेश किया जाए सही है और फॉर्म में कोई कैदो बंद नहीं है आपके पास एक खरब तरीके हैं कंटेंट को पेश प्रेजेंट करने के और नई नई फॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं तो हमने भी उस लिहाज से ये जो है वो एक तरह से कोशिश करी नई फॉर्म डेवलप करने की कोशिश की जो आज तक शायद पाकिस्तानी सिनेमा में भाई बहन की स्टोरी मेन रखते हुए वो आज तक किसी ने नहीं की और ये फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग इन्होंने जैसे हमने जब ये कॉन्सेप्ट वन लाइनर लेके आए और फिर हमने इस फॉर्म को डेवलप किया मैंने बासित ने फिर इनको और जो रोमीना मैम है उनको जब सुनाया सो वो पहली बार में ही एक होता है ना कि यार ये क्लिक कर गई तो वो आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जो है ना वो ये पहले ही मीटिंग में ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना ये डेवलप होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है उसके बाद उसके कई बेतहाशा ड्राफ्ट में जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही बैठे रहे डायरेक्टर भी और रूमीना उमैर जो है वो प्रोड्यूसर उनका भी बड़ा हाथ था अमल दखल था उनके भी कई सारे इनपुट्स थे ओवरऑल शूट पे उनका जो भी रहा वो ये भी बताएंगे आपको बहुत बेहतर तरीके से कि वो देखें वही जो 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 बात की है एक डायरेक्टर का एक विजन होता है किसी भी स्क्रिप्ट को लेने के लेके उस स्क्रिप्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एक सिनेमाटोग्राफी हम डिस्कस कर चुके इसी तरीके से अब वो सारे एलिमेंट्स एक एक और वो छोटे छोटे एलिमेंट्स ही होते हैं वो सारे मिलके हाँ, एक फिल्म को तो आर्ट डायरेक्शन हो गई उसकी नौमान अख्तर ने हमारी आर्ट डायरेक्शन की है और कोशिश उन्होंने भरपूर की कि फिल्म जितनी रियलिज्म के ऊपर लिखी गई है उतनी ही रियलिस्टिक उसकी अप्रोच रहे और उतनी ही रियलिज्म उस फिल्म के अंदर दिखे तो वो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना वो ये एक विजन है वो बेसिकली आप उसको एक एज अ फिल्म नहीं देखेंगे उसको आप एज अ विजन देखेंगे डायरेक्टर ने एक चीज़ सोची थी एक विजन था उसका एक कहानी को लेके कुछ कैरेक्टर्स को लेके एक शहर को लेके और
अब बात ये होगी कि हम कितना कामयाब हुए इस विजन को पहुंचाने में। और दूसरा वही एक एलिमेंट है जैसे टीम्स के है ना, तो अब एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर जो होता है ना उसका बड़ा रोल प्ले होता है। तो मैं रुमीना का जैसे अली जिक्र कर रहा है, तो मेरा रुमीना बासित अली हमने मेरे ख्याल से 2000 कितने सेशंस किए हैं से मेरे ख्याल से हमने ये सेशंस कराची से लेके लाहौर, लाहौर से लेके हमारे घर में एक बार। तो इवन ये मैं जरूर डिस्कस करूंगा कि हम इसके सेशंस कर करके इतना थक गए थे और इतना पक गए थे और हमारी दूसरी मसरूफियात भी थी, तो हमने डिसाइड किया कि कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग तो आपने सुना होगा, डेस्टिनेशन राइटिंग करेंगे। और इन्होंने और मैम रोमीना ने जो है वो वहाँ पे एक अपार्टमेंट कोई 10 दिन के लिए बुक किया और हम वहाँ रहे। तो हम वहाँ सुबह सुबह वो एज ए प्रोड्यूसर मतलब हमारे लिए अंडे तलने तक का काम उन्होंने किया है। नहीं ये क्वालिटी तो मतलब 10 बजे आप उठ के जो है वो नाश्ता करने के बाद बैठे हुए हैं शाम 7-8 बजे तक, और जब आप एग्जॉस्ट हो गए या काम को आपने एक हद तक पहुंचा दिया एक लिमिट तक आज की डेट में, फिर आप लाहौर को एक्सप्लोर करने निकले। तो ये भी एक ड्राफ्ट हमने कोई हमारा 10वां या 11वां ड्राफ्ट वो फाइनल वो वहां पे जो हमने वहां पे किया, और एक ड्राफ्ट जो हम लास्ट हमने शूट से पहले कंप्लीट किया था घर पे। बिल्कुल घर पे वो हम 3 दिन के लिए इनके यहाँ रुक गए थे दोनों, क्योंकि वो बासित नई शादी उन्होंने कुर्बानी दी थी कि उसने की नई नई शादी थी और उसने कहा नहीं मैं 3 दिन जो है वो कुर्बानी है। एक चीज यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूँ, हर घर के अंदर ना एक बड़ी बज्जो होती है, एक मतलब बड़ी आपा होती है जो कि पूरे उस खानदान को खानवादे को संभाल के रखती है। तो बेसिकली रुमीना ने इस पूरी फिल्म में इस पूरे प्रोसेस में, मेरा तो उनके साथ कोई तीसरा चौथा प्रोजेक्ट है और मेरी उनसे जो अंडरस्टैंडिंग है वो शायद मैं वर्ड्स में बता भी नहीं सकता हूँ, बट इस फिल्म को जो जिस फॉर्म के अंदर आप इस वक्त देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। उनकी बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस हैं उनके, और उन्होंने अपना मैं कहूँगा 100% अपनी सेहत से लेके अपनी हर तरह की सेक्रीफाइस दिया इस प्रोजेक्ट को फ्रॉम एक पेपर से लेके एक स्क्रीन तक पहुंचाने में। nice, ये बड़ा पेनफुल nice. और ये नम फिल्म्स का एक वो है क्योंकि वो आई थिंक कि ये लोग पहले नेशनल एंथम कर रहे थे लगातार कोई 6-8 महीने का वो प्रोसेस था, ड्रेन उसके फौरन बाद जो है वो फिल्म पे चले गए थे। अब जाके कहीं जाके सुकून मिला, लेकिन वो तो हम अगले प्रोजेक्ट का चक्कर अभी कर नहीं सकते ना, लेकिन ये वो बात अधूरी रह गई। तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ अपनी सेहत को बहुत ड्रेन किया और उन्होंने फ्रॉम पेपर टू स्क्रीन अगर कहा जाए ना तो इस प्रोजेक्ट को ऑन स्क्रीन लाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। और मेरे ख्याल में अगर उनकी सपोर्ट, क्योंकि बाज़ जगहों पे आपको होता है आप बड़े होते हो लेकिन आपको भी सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही हो, तो उन्होंने चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, एक्टर्स को पैम्पर करना, चाहे वो कोई भी हो, जावेद साहब हों, यमुना जैदी हों, कोई भी हो, प्रोड्यूसर्स को वो करना, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसीव करने में और स्क्रीन तक पहुँचाने में। और तभी दिख भी रहा है रिस्पॉन्स से पता चल रहा है पूरी ये फिल्म ना आप देखेंगे ना आपको एक सोल नजर आएगी जब आपने देखी भी है बहरहाल आपने कहा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि वो है उसके अंदर एक चीज क्या ये तो ऐसे ये एक फिल्म में कमा लेते हैं कि हाउ टू कवर अप थिंग्स। अरे भाई लोगों ने अरे भाई मैं तो यार जब भी देखता हूँ ना मुझे लगता है कि एक अलग दुनिया लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खैर रियल सर ऑब्वियसली फिल्म स्टार्ट मतलब जब फिल्म शूट से पहले तो आप लोगों ने रिहर्सल वगैरह तो करी होंगी, तो उसका थोड़ा प्रोसेस बताएं मुराद भाई। रिहर्सल्स एक्चुअली तो मेरी और यमुना की मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हुई हैं, मेरी यमुना की और नौरीन, क्योंकि आपके सीन्स आपस में हमारे सीन्स आपस में ज़्यादा थे। जावेद शेख साहब के साथ हमारी रीडिंग सेशंस हुए थे और जावेद शेख साहब का अपना एक ख़ास तरीक़ा है, वो ज़ाहिर मंजे हुए अदाकार भी है, वो कहते हैं मैं अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं सेट पे जाके करूँगा। सो मुझे ये होता है कि मुझे प्रिपेयर करना है पहले से, देखना है, तैयार करना है, हाँ कुछ उसकी आदत है कुछ उसका जो भी है। सो वो थोड़ा बहुत था। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द डे ऑफ शूट भी रिहर्सल होती थी, जाहिर है कि वो सीन अभी शूट पे तो जाना है मगर जो वक्त है उसमें फिर हम साथ बैठते थे, देखते थे, डिस्कशन होता था उसी वक्त ब्लॉकिंग के ऊपर भी बात होती थी कि यार ये यहाँ से कुछ खाली लग रहा है, कुछ मैं कुछ और कर लेता हूँ, साथ में कुछ और बिजनेस ऐड कर लेते हैं, कोई और चीज़ें कर लेते हैं। तो वो सीन के होते होते भी मतलब सीन शूट होने से पहले भी एक ख़ास किस्म की एक रिहर्सल का प्रोसेस रहता था ताकि स्क्रिप्ट से
ताकि इनोवेट भी होती रही चीजें वगैरह। बिल्कुल। और सेकंड चीज ये थी कि स्क्रिप्ट हम लोगों ने बहुत दफा पढ़ा हुआ था अली के साथ, इतनी रीडिंग की हुई थी हमने तो शुरू में राइटिंग प्रोसेस में और फिर एक्टर्स के साथ, कि वो पूरा मेरे ख्याल से दिमाग में था और जो रीडिंग प्रोसेस था वो कोशिश किया कि जितनी रिहर्सल्स हम कर सकें। शेख साहब ऐसे हमने काफी मजबूर किया, शेख साहब ने लेकिन बड़े ओब्लाइज भी हुए, लेकिन उनको तरीका अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने कहा बहुत अरसा हो गया कि मेरे साथ ऐसी कोई हम बैठे हों पूरी टीम और रीडिंग करे, ड्राई रीडिंग जिसे हम कहते थे पीटीवी के जमाने में होती थी, अब तो बहुत ही काम हो गई है कि लोग थिएटर में तो होती है लेकिन बहरहाल फिल्मों के मीडियम में नहीं होती कि लोग सारे कैरेक्टर्स बैठे हों। तो ये काजी ने उस दिन मेरे ख्याल से रीडिंग की थी घर पे हमारे और सारे कैरेक्टर्स बैठे, सबने अपनी रीडिंग की जिस जिस तरीके से कर सकते थे। फिर हमने सेकंड टाइम एक और दफ़ा की शेख साहब के साथ, हमने मेरा अपना पर्सनल सेशन एक और लगा था जो हमने अलग किया और शेख साहब उसको अब करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं कि नज़र भी आ रही है। एक्चुअली वो जो वही चीज़ें फिर आपको ना आहिस्ते आहिस्ते दिखती हैं, ऑन शूट भी दिखना स्टार्ट हो जाती है, एक केमिस्ट्री और रिहर्सल सिर्फ वो स्क्रिप्ट पढ़ने का नाम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही, आप सिर्फ पोस्टर की तस्वीर देख लेना तो आपको पता होगा कि हर बंदा अपने कैरेक्टर में कैसे बैठा हुआ है, वो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। राइट अमाउंट ऑफ इमोशंस, राइट अमाउंट ऑफ स्मर्क ऑन द फेस, आंखों से देखना, फवाद का हाथ पकड़ना, शेख साहब का देखना, तो इसका मतलब कि वो इतना डिटेलिंग में उनको अपने किरदारों के बारे में पता था, जो कि ऑब्वियसली बार बार कर करके रिपीटेशन, इसको आप बहुत सारे लोगों को लगता है बट वो रिपीटेशन नहीं होती, वो बेसिकली आप मास्टर हो रहे होते उस जिसके शेख साहब को लगता था कि हमें जरा कट टू कट जरा शूट करना चाहिए, लेकिन हमने टेक्स क्योंकि वो हर दफा एक्चुअली वो उनको समझाना मुश्किल था, लेकिन वो हर दफा ना वो एलिवेट हो रही थी उनकी एक्टिंग, हर दफा एक पॉइंट से वो आगे बढ़ रहे थे, वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे थे और वो उनकी जब तक लिमिट क्रॉस नहीं होंगी ना तो मेरा नहीं ख्याल वो आगे तक पहुंच सकते थे। वो लिमिट क्रॉस करनी पड़ती है क्योंकि आप एक पॉइंट तक पहुंच गए, उसके बाद अब वो एंगल चेंज करेंगे तो हम पूरी करेंगे, तो उसमें हमें बहुत सी चीजें मिली और वही जो इंटरवल सीन है जिसकी हम बात भी कर रहे हैं वो आप नोट कीजिएगा, वो बहुत मुश्किलों से उसमें राइट अमाउंट ऑफ इमोशंस, टाइमिंग, चीज़ें कर करके निकली ना। वेरी नाइस। अच्छा आप चारों से सवाल है, हमने अच्छी बातें करी, कोई खामी ज़रूर होगी एक फिल्म में एज अ डायरेक्टर पॉइंट से, यार शायद अगर ये मैं थोड़ा सा और बेहतर कर लेता तो शायद इसका रिजल्ट मुझे और बेहतर, एज अ राइटिंग प्रस्पेक्टिव से भी, एक्टिंग से भी और प्रोड्यूसर प्रस्पेक्टिव से भी, तो आप मुझे बताएं कि कौन कौन से एलिमेंट सबसे पहले जहां पे जो लगा कि यार ये चीज अगर और बेहतर हो सके तुम बताओ, और सबसे बड़ी ऑडियंस भी बता दी। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल सवाल है यार। एक्चुअली जब आप फिल्म के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं ना किसी प्रोजेक्ट में, तो आप काफ़ी ज़्यादा डीपली उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद अवकात ऐसा होता है कि आपको बहुत सी चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती। बर्ड आई व्यू से शायद वो हो सकता है कि वो उसमें ऐसी चीज़ें हों जो आपको पिक करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग एकेडमिक से भी ताल्लुक है तो मुझे इस बात में बिलीव थोड़ा सा था और अभी भी है कि हमने स्क्रिप्ट को कई दफ़ा रीड किया है, ऐसा नहीं कि हमने, और हमने कई दफ़ा अपने आप को सवाल किए, कई दफ़ा हमने क्वेश्चंस किए, हमने सवालों के जवाब ढूंढे और हमने उनको तलाश किया। वही बात जो अली कह रहा था कि जब फॉर्म चेंज हुई तो उसके साथ बहुत सी चीज़ों को भी री इवेल्यूएट करना था, तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कमियां या ऐसी कोई खामियां हैं जो लोगों ने पिक की हों, शायद उनके हिसाब से ना हो और हमारे हिसाब से सही हो, तो वो तो रहेगा। और कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से परफेक्शन के लिए तो मुश्किल ही है कि वो उसमें बड़ा बैलेंस आंसर दिया आपने। हाँ नहीं, बात वो यही है कि बहना अपने दही को कौन खट्टा कहता है। अब यही है कि जाहिर है हम सब इतने इन्वॉल्व हैं फिल्म के साथ, तो हमारा मेरे ख्याल में खामी और लोग निकाले और वो उनका हक है, और उसको जो चीज़ उनको बुरी लगती है उनको बुरी लगे, मतलब जिस किस्म उनका सारा हक है, हेल्दी अनहेल्दी क्रिटिसिज्म सब चीज़ का उनका हक है। और जाहिर है कि वो पैसा खर्च करके अपने घर से उठ के वक्त निकाल के फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं, अगर उनको उनके मतलब की चीज़ नहीं मिल रही तो उनके हमने अपने तौर पे जो कुछ किया था वो अपने तौर पे। अच्छा जाते जाते, हाँ अली भाई आप बता दें कोई खामी। अब तो जवाब यही हो गया, मैंने दे दिया जवाब, मिला मुलू के यही कि भाई सीखने को मिला है, हमने भी कोई 20-25 फिल्में नहीं की हैं, हमारी भी कोई ये दूसरी तीसरी फिल्म ही थी, तो हमने भी पहली थी, अब सर इतने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी तो हमने भी सीखा और अब जाके हमें भी रियलाइज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन नहीं किया अपने आप को, बहुत बार किया और बहुत एंगल से किया और इतने सारे मुबाइसे हुए उस पर कि एक डिबेट अगर एक सीन पे एक सीक्वेंस पे 3 बजे शुरू हो रही है तो कहीं शायद खत्म भी नहीं हुई है, 11-12 बज गए, उठ गए ऐसे ही, चलो कल आगे इसको बात करेंगे फ्रेश माइंड के साथ।
तो वो सारी बातें हमारे यमुना का कन्फेशन सीन, मतलब ऐसा सीन भी हो सकता है जैसे कोई लोकेशन आप चाह रहे हो लेकिन वो अरेंज ना हो रही। नहीं नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ऐड बेहतर कर देता हूँ थोड़ा सा। देखें फिल्म बनाना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद वो चीज आपने अमानत, वो बेटी रुखसत कर दी है, अब वो ससुराल वाले उसको जाने कि उन्होंने कैसे डील करना है। फिल्म को बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फिल्म की फॉर्म को मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फिल्म के अंदर विजन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए झोल नहीं होना चाहिए, नैरेटिव का स्ट्रक्चर सही तरीके से मूव अराउंड होना चाहिए, कहानी सही तरीके से मूव होनी चाहिए, वरना ऐप तो कहीं ना कहीं वो तो है, वो तो बड़े-बड़े वो तो हर फिल्म के अंदर मसले होते हैं, फिल्म में होते मसले, हम भी एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, हमारी फिल्म बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल बिल्कुल मसाइल होंगे, बिल्कुल होंगे, अरे एक साथ तरह के होंगे, कोई किसी ने कहा कि वो पहले सीन में 9:10 पे क्या आया तब भी 9:10 मतलब वो घड़ी में सेल नहीं था। यही तो गुर्बत है, यही तो गुर्बत है, यही तो दिखा रहे हैं, मतलब कि उन्होंने वही पिच किया है, लेकिन अच्छा टिपिकल कराची। तो खैर बात वही अगेन के देखें, हमने ना कभी ये क्लेम किया ना हमारी ये कभी इस तरह की, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमारे ट्रेलर से लोगों ने शायद समझा कि ये क्योंकि स्पोर्ट्स बायोपिक है, ये सवाल है जिसने कई दफा दोबारा दोहरा देता हूँ कि बाकी में नहीं है, नहीं है वो थी, उसका एक एलिमेंट है, कैरेक्टर है जो कि रोल प्ले कर रहा है, इससे ह्यूमन रिलेशनशिप, बहन भाई बाप की स्टोरी और उसके साथ कराची का बैकड्रॉप और कराची को जिस तरीके से आपने एक्सप्लोर किया इतने सालों में, 30-40 सालों में जो आपने देखते रहे, वही सारी मेमोइर्स हैं जो उसके अंदर जुड़ी हुई हैं और उनके इम्पैक्ट्स इन प्रेजेंट लाइफ। खैर पॉडकास्ट को एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं, फवाद भाई आपसे एक सवाल है, जो अपकमिंग एक्टर्स हैं जो आपको जाहिर सी बात है थिएटर में देखते भी होंगे, आपको फॉलो भी करते होंगे या जो सीखना भी चाहते हैं, तो आपके पास थोड़ा एक मिनट का कोई भी बात कि क्या करना चाहिए, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या करें एज एक्टर अगर कोई सीखना चाहता है? सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए कुछ जगह मौजूद हैं, उधर चले जाएं, ज्वाइन कर लें उन जगहों को। अगर वो मौके आपके पास नहीं हैं तो किसी के साथ लग के काम कर लें, काम करते हुए देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने की आग जिसके अंदर होती है ना वो सीख लेता है, सीख लेता है। सही है, तो वो उसको वो दूसरों को काम करते देख के सीख लेगा, खुद एक्सपीरियंस करके सीखेगा, आग अगर है तो वो हो जाएगा काम। अच्छा टॉप 5 एक्टर आप? बहुत सारे यार, टॉप 5 में तो कितने सारे, हमारे पाकिस्तान के अगर नाम लिए जाएँ, हमारे बहुत सारे ब्रिलियंट एक्टर्स रहे, तलत हुसैन साहब बहुत ब्रिलियंट एक्टर, साजिद हुसैन साहब बहुत सब अच्छे, राज साहब हमारे उस्ताद हैं, और ख्वातीन में खालदा रियासत साहिबा ब्रिलियंट एक्टर, सानिया सईद बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो 5 नाम तो पाकिस्तान से। तो ये अच्छा कोई इंस्पिरेशन तो होंगे एक्टिंग में, चाहे वो इंडिया, बहुत सारे सब लोग, मतलब बहुत सारे नाम हैं ना, जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के ये लोग हैं, बाहर हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो नसीर साहब हैं, ये सारे आजकल के ये NSD के जितने ग्रेजुएट्स हैं, ये नवाजुद्दीन हैं, इरफान खान हैं, और पंकज त्रिपाठी है, और इवन जो ये विजय वर्मा, ही इज ब्रिलियंट, आई थिंक सो वी ऑल दिस। आप बता दें जो राइटर बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनना चाहता। अगर राइटर नहीं होगा तो मैं कैसे बनेंगे? नहीं बनना सब चाहते हैं, लिखना और टाइप करना नहीं चाहता। टाइप करना चाहते हैं, बात हाँ बात यही है, राइटर बनना चाहते हैं लेकिन बगैर रीराइटिंग के और बगैर रिसर्च किए, बगैर सोचे, और तारीफ सुनना चाहते हैं पहले ही ड्राफ्ट पे। सही है, कमाल कर दिया साहब, या आके के ये बता दें इसमें क्या है और तारीफ करो तो मुंह भी बिगड़ते हैं, तो ऐसी बात नहीं है ये चले। हाँ लेकिन बस ये है कि एक बार का प्रोसेस नहीं है, यही वजह है कि हमें जो है वो 6 महीने 8 महीने साल 3 साल लग जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि इकट्ठा आप 2 महीने किसी चीज़ पर बैठते हैं, फिर आप कहीं और जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो ये इस तरह से मामला। बस ये है कि भाई रिसर्च बहुत मैटर करती है, रियल लाइफ से इंप्रेस ना हो, रियल लाइफ से इंप्रेस। क्या बात है, इंस्पिरेशन अगर लेनी है ना, बड़ी खूबसूरत बात है, ये इस पे इनके वो है राइट्स है, इस लाइन में मतलब ये मैं अपनी क्लास में गया तो मेरे स्टूडेंट्स अगर देखेंगे बोलेंगे छाप दी क्लास में भी पढ़ाते हैं। तो यही तो फर्क है, जो आपको सिनेमा मिलता गया, जो आपके सवाल में वापस जाता हूँ, वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था, रियल लाइफ से कतई तौर पर इंस्पायर नहीं था। नायाब आपको एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड फिल्म लगेगी। और मैं आपके पिछले सवाल के जवाब कि एक चीज़ कहूँगा, जैसे वो कॉल है हज़रत अली का, इंसान उस मक्खी की तरह है जो
सही जिस्म को छोड़ के जख्म पे बैठती तो वो मसाइल हमने भी और ऐसी बात नहीं है, जब फिल्में आती है तो हम भी कीड़े निकालते हैं तो लोग हमारी फिल्में कीड़े निकाल और जो निकाल रहे हैं अभी कल को फिर हम शायद निकाल रहे हैं तो प्रोसेस से लाए कहेंगे कि वो उनकी अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारी। एक सवाल जो आपने नहीं किया फैंस का था कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है फिल्म नायाब, तो इसके बहुत सारे इवेंट्स बहुत सारी चीजें और बहुत सारे वाकयात काफी सारी चीजों से रियल क्रिकेटर्स की लाइफ से के अक्का क्या जो कैरेक्टर है वो भी आप क्या सोचता है क्या बोलता है। मैं अगर बात करूं तो ये जब हम बासे तौर पर लिख रहे थे तो अक्का के कैरेक्टर पर कहीं मेरे अपने वालिद साहब का किरदार इसमें मौजूद था क्योंकि वो फिल्म मेकर बनना चाहते थे, लाइक वो पेंटिंग करते थे, उनसे ही फिल्म मेकिंग मुश्तक आ गया। सही है, तो मेरे घर में उस वक्त में गुलजार का सिनेमा और ये सारी रुधाली और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में जो मुझे समझ भी नहीं होती थी, 90s की बात बता रहा हूँ। लेकिन उनको स्टील मिल में जॉब करना पड़ी और अपनी फैमिली को चलाना पड़ा, इन द एंड आखिर में आके वो नहीं बन सके, मैं बना बिल्कुल। तो ये कहानी कंप्लीट हुई ना, ये कहानी कंप्लीट हो गई, ये नायाब आपके सामने ऐसे ही आपको ऐसे ही देखेंगे जितने भी लोग नहीं होते तो अली भाई का तो सिर्फ पैदा करने के मामले में नहीं, लेकिन अगर वो इस तरफ उनका रुझान नहीं होता और कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस में नहीं बैठती बात उनकी उनको देखते हुए सब तो मैं नहीं हूँ। खैर अली भाई वो तो आपसे कभी मैं सोलो पॉडकास्ट करना चाहूंगा जरूर इंशाल्लाह, मैं फिर बात से दोनों का हाँ जरूर मुझे तो आप पे तीली को डिस्कस करना था, लाल कबूतर को डिस्कस करना, बहुत सारी चीजें थी जो बुलाते ही नहीं आप तो जगह देखा फिल्म आगे तो फिल्म आगे तो बुला लिया फौरन अब तो रिमाइंडर लगा के जा रहा है। अली भाई वो वाली बात याद है, फिर मैं आपसे 2-4 साल 5 साल पहले भी मिल चुका हूं आपसे, याद कर रहे हैं। खैर आप बता दें कोई डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्टर मेरे ख्याल से एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम है, थोड़ा वक्त लगता है इसमें, बहुत सारी चीज़ें आप गेन करते हैं टाइम टू टाइम, रीडिंग से बड़ा फ़र्क पड़ता है, देखने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, लोगों की रिस्पेक्ट करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, अपने मेंटोर से सीखने का बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये वो 4-5-6 एलिमेंट्स हैं मेरे ख्याल से जो कि ना आपको आपको रेडी करते हैं फॉर वो। सो दूसरी चीज़ ये कि बहुत जल्दी डायरेक्टर्स बनने की मेरे ख्याल से वो होती है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें नहीं आना चाहिए, आपको पहले एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि आप वो करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और करके फिर आप आते हैं तो टाइम लगता है उसमें, क्योंकि फिर आप बहुत सी लर्निंग भी पीछे छोड़ जाते हैं अगर आप बहुत जल्दी एज डायरेक्टर काम शुरू कर दें तो। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि आप सीखने का टाइम मिलेगा। अच्छा टॉप 5 डायरेक्टर्स आप भी बताइएगा, राइटर्स टॉप 5 आपकी जिनकी इंस्पिरेशन है आप भी बता दें, राइटर्स ये बता देंगे टॉप 5 पहले आप डायरेक्टर्स बता रहे हो, पर डायरेक्टर्स तो बेतहाशा हैं मुझे तो कोई एक आध इंस्पिरेशन जिससे मुझे ज़ोया अख्तर का काम बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि वो उन्होंने हमेशा वो सिनेमा क्राफ्ट किया है जो कि जिसकी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से भी जरूरत है कि जो कमर्शियली भी वाइबल हो, जो कि थोड़ा इंटेलेक्चुअली भी थोड़ा लोगों के लिए उसमें कुछ देखने के लिए हो और वो कहीं ना कहीं मिक्स मीडियम बना रहा हो इस वजह से। बाकी राजकुमार ईरानी है इंडिया में, फिर काफी सारे तो अच्छे तो लिस्ट को लेगी तो बहुत हो जाएगी, अनुराग कश्यप तो है इंस्पिरेशन मैं वही कोई एक नहीं है इनकी तरह, मतलब जूही चतुर्वेदी भी हैं जिनकी अक्टूबर है और सुजीत सरकार, मैं नाम लिया है सुजीत सरकार है, सरकार की जितनी फिल्म है वो जूही चतुर्वेदी ने की लिखी है, जूही चतुर्वेदी हैं और आपकी ये रीमा कक्ति और जोया अख्तर है, अनुराग कश्यप है, विक्रमादित्य मोटवाने हैं, तो यही सारे हैं अलग अलग मूड और जॉनर के हिसाब से। वही विक्रम मोटवाने की जो सीरीज है जुबली, छोटी छोटी इंस्पिरेशन हर किसी से पकड़ ली, किसी से कोई चीज सीख ली। खैर अच्छा ज्यादा रैपिड फायर का एक सेशन होता है, आप तीनों एक एक बता दिएगा, मैं नाम लूंगा, मैं भी सजा है सबा कमर, सबा कमर सबने जवाब देना एक साथ फैसल कुरैशी या एजाज असलम, फैसल कुरैशी ओके, खलील रहमान या बिलाल अशारी, लेकिन खैर खलील रहमान का मैंने एक मूवी डायरेक्ट की थी इस वजह से पूछ रहा हूं, नहीं नहीं मैं खाली उस सवाले से बिलाल अशारी और राइटिंग के हवाले से बिलाल अशारी, अच्छा वजाद रऊफ या सरमद खुसरो, सरमद खुसरो, सरमद खुसरो, सरमद खुसरो, सरमद खुसरो, सरमद खुसरो, सरमद खुसरो,
अब बोल या जवानी फिर नहीं आनी, बोल 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 बस। मायरा खान या आयशा खान? मायरा खान। फवाद खान या फवाद मुस्तफा? फहाद मुस्तफा, सॉरी फवाद खान। फवाद मैं नहीं दूंगा। आई थिंक फहाद मुस्तफा। फहाद मुस्तफा, अच्छा। अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद? अदनान सिद्दीकी यार, बहुत ही मुश्किल सवाल है ये मुझे। वैसे कंपैरिजन में देखें दोनों, दोनों लेजेंड्स हैं यार, दोनों टॉप के एक्टर्स हैं। अदनान सिद्दीकी कर सकते हैं? नहीं दोनों, नहीं दोनों, इसमें कोई वही नहीं है, वो भी दोनों फहद मुस्तफा, जहां पे कंपैरिजन नहीं होता ना, जैसे लास्ट सवाल में भी कोई कंपैरिजन नहीं था, वो लास्ट सवाल में भी फहद मुस्तफा फहद भाई और उनमें कोई नहीं, उसमें तो मैं कह रहा हूं कि ये फहद तो नहीं है, ये फहद खान तो नहीं थे ना, हो सकता है, नहीं नहीं ऑब्वियसली नॉट ना, तो फिर फहद मुस्तफा, मुझे लगता है फहद मुस्तफा के पास रेंज है, नहीं देखो रैपिड फायर बनाए इसलिए जाते ना टफ हो, वरना अगर सहार हो तो फिर मुझे लगता है फहद मुस्तफा की जो एक्टिंग रेंज है ना वो बेहतर है, ज्यादा है, और वो ज्यादा कंपैटिबल है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स से करने के लिए। आई थिंक द वर्क दैट इज कमिंग, फवाद का जो काम आने वाला है, जो वो आई थिंक बस बैलेंस हो गया बिल्कुल, आपका आपका जो है ना वो चेंज हो जाएगा। हां अच्छा, यमुना ज़ैदी या सायरा फिरोज़? ये तो यमुना ज़ैदी, ऑब्वियस, ये तो बहुत ऑब्वियस आंसर होगा, बात ही नहीं है ना। मौला जट या टीफन ट्रबल? मौला जट। मौला जट। शान शाहिद या मोमर राना? शान शाहिद। शान जावेद इकबाल? जॉयलैंड। खैर बस, साइक्लोमीडिया हब या जुनैद अकरम? इनसाइक्लोमीडिया। इनसाइक्लोमीडिया, लेकिन 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 एक्सपीरियंस विद इनसाइक्लोमीडिया वार्म थे आपको कैसा लगा पॉडकास्ट में? मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बातें भी ढंग से हुई और चिल माहौल था अल्हम्दुलिल्लाह। बासित नकवी को बड़ा मिस किया हमने, बहुत ज्यादा मिस किया हमने, और रुमीना बाहर बैठी हुई वेट कर रही है। बहुत सारे इस तरह बहुत सारे हीरोज है हमारे, मैं एक नाम सर नाम जरूर लेना चाहिए, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डेविड कैनी, एग्नेस कैनी प्रोड्यूसर, रुमीना की बात हुई, उमर इरफानी का मैंने जिक्र किया, उसके बाद हमारे डीओपी शजी हसन, नुमान अख्तर, नुमान अख्तर हमारे आर्ट डायरेक्टर थे, हमारे तमाम एडीज, हमारे तमाम एडी, चीफ एडी चीफ एडी हसन मुखी, रामेल हसन, जोया जोया रहमान, मेदी, इसमें मैं रामेल का जिक्र जरूर करूंगा, थोड़ा सा लंबा इसलिए क्योंकि वो हमारे इंसेप्शन से लेके वो स्पेशली एक तो छोड़कर आया साइप्रस छोड़कर आया, वो हमारे साथ शूट पे रहा, शूट के बाद वो हमारी फिल्म की जब लास्ट प्रीव्यू स्क्रीनिंग हुई है उसमें जो हम इंटरनेशनली देखने गए उस वहाँ तक मौजूद था। नाइस। फिर हमारी एडिटर रिजवान साहब जिन्होंने बहुत फिल्म एडिट की, उनकी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है नायाब ये, आप उनसे आपको उनसे कहा पॉडकास्ट जरूर करनी चाहिए, बिहाइंड द फिल्म क्रू जो जितने लोग हैं, और एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट नाम कामी जिन्होंने बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर हमारी फिल्म का किया है, बहुत ही दिल से किया है, मतलब हर इंसान ने दिल से किया, चाहे वो एडिटर हो चाहे वो, और हमारी पोस्ट की टीम जिसमें ओएस रॉय एंड एहसन रजा जिन्होंने हमारी पूरी ऑनलाइन एडिट, अच्छा, और एहसन रजा डायरेक्टर नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जिन्होंने शायद वो एज अ ऑन बोर्ड ऐसे नहीं थे हमारे पे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट किया, लोकेशंस के हवाले से हो, इंतजामिया हो, टेक्निकल हमारी सबॉर्डिनेट्स में कासिम क्यूबी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उसने हर जगह क्यूबी हो गए, इनाम भाई का एक तस्करा, इनाम भाई का तस्करा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने पूरी फिल्म की फाइनेंस को देखा शुरू से लेकर आखिर तक, स्टार्ट किया और अभी तक वो सारे मसले सॉल्व करवा रहे हैं आज की डेट तक, तमाम लोकेशन कोऑर्डिनेटर्स हमारे और जितने भी हमारे जो भी था मैं सबको, सब मुझे जानते हैं पर्सनली, उन सबका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, काशिफ भाई का खास, काशिफ ग्रामी ने जो हमारे ये लिखा और जिस तरीके से वो दिल से वो रिव्यू लिखते हैं और जब वो और बड़े उनके परफेक्ट रिव्यूज कर लिखते हैं वो,
तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम तमाम लोगों का जिन्होंने कहीं पर भी सपोर्ट किया हमें, वी आर रियली थैंकफुल और वी रियली ऑब्लाइज्ड। एंड और अगर कोई नाम मिस हो गया, कोई नाम मिस होगा, मैं पहले से मान लिया तो मैं उन सबको टैग कर दूंगा, मदद कर लूंगा। अच्छा खैर, मैं कुछ अपना पॉइंट रखूंगा कि देखें फिल्म्स ऐसी बहुत कम बन रही हैं, और अगर बन रही हैं तो प्लीज़ पाकिस्तानी सिनेमा को आप लोग जाकर जरूर सपोर्ट करो। नया फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, एक तरह से फैमिली फिल्म है, आप लोग जाएँ जरूर देखें और आपको मतलब मायूस नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है इंशाल्लाह। एक तरह से नहीं फैमिली फिल्म ही है, फैमिली। अच्छा, इसमें एक बहुत मशहूर कैरेक्टर थे एहतशाम साहब, जिनका आपने जिक्र बिल्कुल हम भूल गए, और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया कैरेक्टर, क्या इम्पैक्ट था उस कैरेक्टर का, और एहतशाम साहब ने जिस मेहनत से जिस लगन से वो कैरेक्टर किया, फुल 200% दिया उन्होंने उस पूरे टाइम पे। बिल्कुल, दोनों अदनान भाई और एहतशाम भाई दोनों सीनियर मोस्ट एक्टर हमारे फर्टिलिटी के, और दोनों ने जब स्क्रीन शेयर किए दोनों ने अपना 100%, और दोनों इतना ज़्यादा देर के लिए स्क्रीन पर है भी नहीं, लिमिटेड सीन है, लेकिन दोनों ने जब वो स्क्रीन पर आए तो उन्होंने बताया कि हमारे अदनान सिद्दीकी तो भाई एज मेंटोर हमारे साथ थे, मतलब वो तो उन्होंने तो स्क्रिप्ट सुना, उन्होंने जैसे ही उन्होंने देखा उन्होंने कहा मैं करूँगा, उन्होंने ये ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं है, अब तो ये है कि उन्होंने पैसे भी नहीं लिए हमसे रोल प्ले करने के, ये उनका वो है, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लूँगा अगर आप लोग फिल्म कर रहे हैं, वो विदाउट उसके आए और उन्होंने हमें कई सारी टिप्स जो जो वो दे सकते थे पूरे फिल्म के प्रोसेस में उन्होंने दिए, और क्या बात है, ये होते हैं बड़े कैरेक्टर, बड़े लोग की ये बात होती है, बड़ी बात है। अच्छा खैर, जाते जाते इलेक्शन सर पर है, क्योंकि इलेक्शन से पहले पॉडकास्ट आ जाएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान के हालात और क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अगर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा बट आई वांट के आप, क्योंकि वोटिंग करना भी जरूरी है। देखें, सिर्फ हम ये ऐड ऑन करेंगे कि अपना वोट ज़ाया नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम, क्योंकि हम अपनी फिल्म के हवाले से आए हुए यहाँ पे, तो हम इस तरह का कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं दे सकते। मेरे ख्याल में आप सब, जितनी भी ऑडियंस हमारी, वो सब बहुत सेंसिबल है, उसको पता है अच्छा और बुरा क्या है, तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें, और इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को, इस माशरे को और अपने लोगों को बनाने में किरदार अदा करें। आप सब चाबी निशान पहले से ढूंढ के जाएँ कि आपको किस किस पे लगाना है, ये नहीं आपका वोट ज़्यादा है तो उसकी रिसर्च पहले से कर लें, बिल्कुल कि आपको 4-5 जो निशान है आपके, आपको पता हो, जीना मरना हंसना जानना। हमारी तो फिल्म पेट्रियोटिक फिल्म है, हमने तो बड़े एलिमेंट्स डाले हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर, यहाँ पे पॉडकास्ट, बहुत शुक्रिया पहले आपका, एंड बेस्ट ऑफ लक, अब कॉन्ग्रेचुलेशन भी और बेस्ट ऑफ लक भी, क्योंकि अचीवमेंट कर ली, उसके बाद फिल्म थिएटर पे है तो अल्लाह पाक उसको बॉक्स ऑफिस में नंबरों की धक्के, ताकि ऐसी फिल्म और देखने को मिले। आपके आपके उसमें एक सवाल था कि इंटरनेशनल रिलीज कब हो रही है, एक दफ़ा फिर हम बता दें, इंटरनेशनल रिलीज हमारी 2 फरवरी को हो रही है, यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, दुबई, बहरीन एंड कतर, तो आप सब जाइएगा, योर जाएं, और अभी फिल्म लगी हुई है, फैमिलीज को लेकर जाएं, क्योंकि ये फिल्म देख के आप एंजॉय कर जरूर करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।